Thank you.
और विष्णु कृष्ण पदार्थ सरस्वती पुत्र नाम से वामन गोस्वामी महाराज जी ने नित्य लीला पर विष्णु कृष्ण पदार्थ सरस्वती पुत्र नाम से त्रिकोण गोस्वामी महाराज जी ने नित्य लीला पर विष्णु कृष्ण पदार्थ सरस्वती पुत्र नाम से स्वामी महाराज जी ने नित्य लीला पर विष्णु कृष्ण पदार्थ सरस्वती पुत्र श्री श्री रूप से शांति गोस्वामी ब्रह्मानंद महाराज जी ने श्री मायापुर धाम की जय नवदीप धाम की जय वृंदावन धाम की जय परिमंडल धाम की जय गौरमंडल धाम की जय नीलांचल धाम की जय बद्रीनाथ धाम की जय श्री श्री राधा कृष्ण श्री परिमंडल की जय द्वादश उपनों की जय श्री श्यामकुंड राधाकुंड गंगा जमुनापुर श्री भक्ति देवी की जय श्री जगन्नाथ मंदिर शोभरा सुदर्शन चक्र योगी जय जगत विनाशक सिंह नरसिंह हनुमान की जय प्रतिक्रवर श्री प्रहलाद महाराज की जय चारों धाम की जय चारों संप्रदाय की जय चारों आचार्य की जय श्री चैतन्य मठ की जय श्री गौड़िया वेदांत समिति की जय गौड़िया समूह की जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय गौ माता की जय सनातन धर्म की जय संध्या आरती की जय आपके समुदाय भक्तवृंद की जय श्री श्री राधा गोविंद गौड़िया मठ की जय भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज श्री गुरुदेव जी की समाज गौर भक्तवृंद की जय श्री पावे वैष्णव
नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोवर में अनंत कोटि धर्म ज्ञापन करता हूँ। शिष्य गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोवर में मेरा कोटि कोटि धर्म प्रणाम है। उसके उपरांत समस्त ब्रह्मचारीगण वैष्णवगण एवं वैष्णवियों के चरणों में मेरा कोटि कोटि धर्म प्रणाम करता हूँ। कल जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव बहुत सुंदर तरीके से पूरे विश्व में मनाया गया। हमारे मठ में भी इस उपलक्ष्य में सुंदर सुंदर कीर्तन कथा और ठाकुर जी की सेवा इत्यादि हुई। एक बार सब बोलेंगे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो महामंत्र है ये जीवन का लक्ष्य है। देखो कर्म भक्ति और ज्ञान इनमें क्या भेद है इसे जानेंगे। कर्म जो है उसके लिए कोई भी हम कार्य कर रहे हैं उसके लिए क्रिया करनी पड़ेगी। क्रिया अलग होगी फल अलग होगा। ठीक इसी प्रकार से ज्ञान में भी यही है कि हम ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। ठाकुर से संबंधित ज्ञान तो ठीक है लेकिन कई लोग निर्विशेष ज्ञान की ओर चले जाते हैं। उसमें भी मायावादी ज्ञान बड़ा खतरनाक है। मायावादी ज्ञान क्या है? हम लोग कौन है? हम लोग जीव है, जीवात्मा। और मायावादी ज्ञान क्या कहता है? जीवात्मा और परमात्मा एक ही। हम अभी शरीर धारण किए हैं तो जीवात्मा है, जब ये शरीर छोड़ेंगे तो उस परमात्मा में विलीन हो जाएंगे। ये बड़ा खतरनाक ज्ञान है। ये सब जगह सुनने के लिए मिलता है, इसलिए इससे बचना चाहिए। ये हमारी आइडेंटिटी को खत्म कर देगा। यदि हम इस तरीके का ज्ञान भक्त होकर के भी ग्रहण कर रहे हैं तो उसको बिल्कुल त्याग दें, क्योंकि जीवात्मा कभी भी भगवान नहीं बन सकता। इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। जीव भगवान का सेवक है, भगवान का अंग है। तो इसलिए जो ये मायावादी ज्ञान है इससे हमें बचना है। कुछ मायावादी क्या करते हैं, भगवान की मूर्ति को विराजमान कराते हैं और उनकी पूजा उपासना भी करते हैं, लेकिन सिद्धि होने पर भगवान की मूर्ति को कहते हैं अब इसकी आवश्यकता नहीं है, इसको विसर्जन कर देना चाहिए, अब इसकी आवश्यकता नहीं क्योंकि हमें सिद्धि प्राप्त हो गई।
तो ये भी बड़ा खतरनाक है जो लोग इस तरीके से कहते हैं कि भगवान में ध्यान लगाने के लिए एक मूर्ति की आवश्यकता है, और जब सिद्धियां मिल जाती है तो उस मूर्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। यह ज्ञान भी बड़ा खतरनाक है। तो फिर ज्ञान में जो साधन है वह साध्य नहीं है, लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं है। भक्ति में क्या है, जो साधन है वही साध्य है। साध्य मतलब समझ रहे ना, साधन करके जिस वस्तु को प्राप्त किया जाता है उसको साध्य बोलते हैं। साधन करके जो फल प्राप्त होता है, भक्ति, प्रेमा भक्ति राधा कृष्ण के चरणों में, वह शुद्ध भक्ति। तो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है ये हमारा साधन है। भक्ति के समस्त अंग हमारे कीर्तन संकीर्तन ये सब हमारा अभी साधन है, लेकिन जब हमें सिद्ध स्वरूप मिल जाएगा, जब हमें वो प्रेम मिल जाएगा, तो भी हमारा साधन हमको छोड़ना नहीं है, क्योंकि साधन ही साध्य। तो इसीलिए जो भी हम हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं ये इतना सरल, इतना पवित्र और इतना उत्कृष्ट है कि हमें धीरे 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 पवित्र करता हुआ हमें सिद्धि की ओर ले जाता है और हमारे हृदय में राधा कृष्ण का प्रेम प्रकट कर देता है। तो इसलिए एक बार बोलेंगे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो भक्ति में जो ज्ञान होता है वो भगवान से संबंधित ज्ञान, भगवान से किस प्रकार से हमारा संबंध हो ये ज्ञान, संबंध अभिधेय और प्रयोजन ये ज्ञान। संबंध मतलब भगवान से हमारा क्या संबंध है। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, जीव का जो स्वरूप है वो नित्य कृष्ण का दास ही है, और दास क्या करता है स्वामी की सेवा करता है। यदि हम सेवा नहीं करेंगे तो ये जो तन मिला है इसका कोई लाभ होने वाला नहीं है। भगवान ने हमें ये तन दिया, 84 लाख योनियां जो हैं, ये नहीं कि 84 लाख योनियां हमने पार करी और मनुष्य तन मिल गया, हमें कई बार मिला लेकिन उसका लाभ नहीं लिया, फिर 84 लाख को फिर गए, कई बार ऐसे 84 के चक्र में कई बार जाकर के फिर जाकर के ऐसे संतों का दर्शन प्राप्त हो सका। श्री गुरुदेव की जो 84 का जो चक्र है उसको काटने की एकमात्र शक्ति हरि गुरु और वैष्णव के अंदर है, और यदि हरि गुरु वैष्णव के अनुगत्य में हम हरि भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, तो निश्चित तौर से इस भव सागर को हम पार कर पाएंगे, अन्यथा असंभव है। तो जीवात्मा कभी भी परब्रह्म नहीं बन सकता, परमात्मा नहीं बन सकता, क्योंकि वो उसका अंश है। तो यहां पर कल हमारे स्वरूप दामोदर जी की भी तिथि थी। स्वरूप दामोदर जी और राय रामानंद ये दोनों ऐसे महान आचार्य हुए जिन्होंने रथ यात्रा के समय में, विशेष करके स्वरूप दामोदर जी ने रथ यात्रा वाले दिन ही इस तिथि को चुना जाने के लिए इस भवसागर से बाहर अर्थात भगवान के गोलोक धाम में जो सर्वश्रेष्ठ धाम है, वैकुंठ लोकों में भी जो सर्वश्रेष्ठ धाम है, उस गोलोक धाम में वो गए कल। और एक शिवासेन भक्त भी हुए जो चैतन्य महाप्रभु के ही पार्षद हैं, उन्होंने भी रथ यात्रा के दिन ही चुना। तो स्वरूप दामोदर जी की थोड़ी सी हम कथा श्रवण करेंगे। स्वरूप दामोदर और कोई नहीं है, ये साक्षात राधा रानी की सखी ललिता जी है, और ललिता जी यहाँ महाप्रभु की सेवा के लिए उपस्थित हैं। कारण क्योंकि भगवान श्री कृष्ण क्या है, विषय वस्तु, और राधा रानी और गोपियां और गुरुजन क्या है, आश्रय वस्तु। विषय वस्तु को प्राप्त करने के लिए आश्रय वस्तु का अवलंबन करना पड़ता है। भगवान जब देखते हैं राधा रानी मेरी माधुरी में को देख करके बड़ा आश्चर्यचकित हो जाती है,
और राधा रानी को मुझे दर्शन करके जो सुख की अनुभूति होती है वो कैसी होती है, इसको जानने की इच्छा हुई भगवान श्री कृष्ण को। क्योंकि भक्त का जो अनुभव है वो विषय वस्तु श्री कृष्ण के पास नहीं है, तो उसको जानने के लिए कि भक्त को कैसी कैसी अनुभूतियां होती हैं जब मेरी सेवा करता है, जब उसके हृदय में वो प्रेम पनपता है, वो कैसी अनुभूतियां हैं, उन सबका अनुभव करने हेतु वो यहां पर राधा रानी की भाव और अंग कांति को लेकर के प्रकट हुए। चैतन्य महाप्रभु की जय। जब देखा कि कृष्ण ही यहां महाप्रभु के रूप में प्रकट होने जा रहे हैं तो राधा रानी करुणा वरुणाल्य है, उन्होंने देखा कि जब ये भक्त भाव में होंगे, विशेष करके मेरे भाव में होंगे, राधा रानी के भाव में, और कृष्ण का विरह इनको तड़पाएगा तो ये सहन नहीं कर पाएंगे, और ये पछाड़ करके जब गिरेंगे मूर्छित होके तो इनके शरीर को खंड खंड होना पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने बाहर की तरफ से खुद अंगीकार कर लिया जो गौर वर्ण है वो राधा रानी का है। भगवान श्री कृष्ण तो काले हैं लेकिन चैतन्य महाप्रभु कैसे हैं, गोरे हैं, पीत वर्ण। राधा रानी ने उनको अंगीकार किया हुआ है, आलिंगन किया हुआ है, इसीलिए उनकी अंग कांति उनकी रक्षा करती है जब वो बेहोश होते हैं, मूर्छित होते हैं। तो भी राधा रानी ने कहा कि देखो सबको जाना होगा, चैतन्य महाप्रभु जब आए तो गदाधर पंडित के रूप में स्वयं राधा रानी प्रकट हो गई, ललिता जी स्वरूप दामोदर रूप में आए जो कल जिनकी तिथि थी, श्री स्वरूप दामोदर जी, और श्री विशाखा देवी राय रामानंद जी के रूप में यहां प्रकट हुए। कारण क्योंकि भगवान को भक्त की भक्ति में जो अनुभव होता है उसका कोई ज्ञान नहीं है, और ये किस प्रकार से अनुभव को प्राप्त करेंगे अगर हम लोग नहीं गए तो उस अनुभव को ये प्राप्त नहीं कर सकते। इस हेतु राधा रानी स्वयं, ललिता, विशाखा और अन्य भी कई गोपियां और मंजरियां आई हैं चैतन्य महाप्रभु के पार्षद रूप में यहाँ प्रकट हुई। तो ये जो प्रेम है ये बड़ा उत्कृष्ट, बड़ा पवित्र, बड़ा निर्मल प्रेम है। इसी को जो है हमारे गुरुवर्ग जो चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर देने आए वही हमको ये प्राप्त हो रहा है हमारे गुरुवर्गों के माध्यम से। तो इसीलिए स्वरूप दामोदर जी ने गंभीरा लीला हुई चैतन्य महाप्रभु की, भगवान चैतन्य महाप्रभु 48 वर्ष यहाँ रहे इस सागर में, इस भौतिक जगत में, जिसमें 24 वर्ष तो उन्होंने नवद्वीप में बिताए, गृहस्थ लीला भी करी उसमें, उसके उपरांत वो पुरी गए संन्यास लेकर के, और उसके बाद दक्षिण गए, 12 वर्ष दक्षिण भारत में उन्होंने भ्रमण किया। तो इस तरीके से अंतिम 12 वर्ष जो हैं वो पुरी में बिताए, वो भी एक कमरे में। यदि आप जाएंगे तो राधाकांत मठ है पुरी के अंदर, वहाँ पर एक गंभीरा उसको कहते हैं, उस मठ को ही, मठ के अंदर जो कमरा है छोटा सा कमरा है, और उसमें महाप्रभु रात्रि में विराजमान होते थे, राय रामानंद और स्वरूप दामोदर जी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कमरे मतलब बाहर से दरवाजे बंद करते थे कि ये रात्रि में क्या होगा, इनको कृष्ण का विरह तड़पाएगा और इनको कोई भी ध्यान नहीं रहेगा और ये भाग खड़े होंगे, इसलिए उनको हमेशा बंद करके रखते थे रात्रि में। 12 वर्ष तक जो लीला हुई है बड़ी गंभीर हुई है, इसलिए उस जगह का नाम गंभीरा नाम रखा, क्योंकि राधा रानी जो भाव में भाव विभोर हो जाते थे राधा रानी के भाव में, तो वो क्या करते थे चैतन्य महाप्रभु, राधा रानी जिस प्रकार से तड़पती थी कृष्ण के लिए, ठीक इसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु बड़े विरह ताप में अपने आप को, अपने शरीर को, अपने मुख को दीवार से रगड़ रगड़ करके खून निकाल करके, उनको पता नहीं होता था क्या हो रहा है, उनको ये नहीं पता, बस वो तड़पते थे किसी प्रकार से नंद नंदन का दर्शन हो जाए, किसी प्रकार से उनसे मिलन हो जाए, और इस प्रकार से छटपटाते थे और प्रेम में पिघल करके वहाँ से जब दरवाजे बंद होते थे, जिस प्रकार से यह नाली बह रही है
नाली में से बह करके बाहर निकल जाते थे प्रेम में द्रवीभूत होकर के। और जब बाहर सुबह देखते थे उनके भक्त लोग कहाँ गए माँ प्रभु, तो उनको ढूंढते थे, तो कई बार पिंड बन करके छोटा सा गोलाकार बन करके गौ माताएं वहाँ पर उनको चाटती हैं, वहाँ जाकर के देखते ये कौन है। इतना प्रेम में विभोर होकर के गौ माता पूछ ऊपर कर करके बड़े प्रेम से उनको चाट रही हैं। कहा ये तो महाप्रभु किस प्रकार से गोलाकार में यहाँ पर पड़े हैं। वहाँ पर फिर कीर्तन होता था, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। गौ माताओं को पीछे हटाकर जब कीर्तन किया करते तो वो गोलाकार जो पिंड था वो पुनः फिर सचेत होता था और धीरे धीरे वो उसमें से हाथ पैर मुख सुंदर तरीके से निकलते थे, वो चैतन्य महाप्रभु पुनः अपनी अवस्था में आते थे। ये प्रेम का ऐसा विकार हो जाता था कि उनको खुद नहीं पता होता था। तो ये सारी गंभीरा की लीला जो हुई इसमें मुख्यतः राय रामानंद और स्वरूप दामोदर षड गोस्वामियों में से हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी जी जब महाप्रभु के पास आए तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको देख करके बड़े हर्षित हुए कि हाँ तुमने बहुत अच्छा किया, उस गंदे कुएं से निकल करके तुम उसको छोड़ करके आ गए। किसको कह रहे गंदा कुआ? इस संसार में जो हम अपने अहंकार में ग्रस्त आश्रम में जो जी रहे हैं हम लोग, हम सोच रहे हैं बहुत 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 बढ़िया काम हो रहा है, लेकिन नहीं, ये हमें बांधने वाला, क्योंकि वहाँ कर्म करना पड़ेगा और कर्म करते करते फिर से हमें जन्म और मरण के चक्कर में फिर फंसा देगा। लेकिन आप लोगों के लिए नहीं है, वो ग्रहमेदियों के लिए बताया। ग्रहमेदी कौन है? जो सिर्फ अपने लिए अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए समस्त वस्तु को अंगीकार कर रहे हैं और किसी भी भक्ति में उनका ध्यान नहीं है, उसके लिए मना किया कि वो कैसा है, वो घर नहीं, वो गंदगी का कुआ है। और रघुनाथ को चैतन्य महाप्रभु ने यही कहा, अरे रघु तुम जो है वहां से निकल करके आ गए हो, बहुत अच्छा किया, अब तुम एक काम करो, हाथ पकड़ के रघुनाथ दास गोस्वामी जी का स्वरूप दामोदर जी को दिया कि मैं स्वरूप ये तुम्हें प्रदान करता हूं। तो रघुनाथ जी का नाम हुआ स्वरूप के रघु, और उनको बड़े प्रेम से स्वरूप दामोदर जी ने शिक्षाएं प्रदान की, समस्त शास्त्रों का उनको ज्ञान प्रदान किया। एक बार उनका मन हुआ कि महाप्रभु से मैं कुछ अपने मन की बात कहूं और महाप्रभु मुझे सीधा सीधा निर्देश करें, मुझे स्वरूप दामोदर के माध्यम से निर्देश मिलते हैं और मुझे सीधा चैतन्य महाप्रभु क्यों नहीं ज्ञान प्रदान करते। तो उनकी अभिलाषा जान करके स्वरूप दामोदर जी ने रघुनाथ दास गोस्वामी जी को अंदर भेज दिया, जाओ महाप्रभु से मिलो। महाप्रभु से जब उन्होंने अपने दिल की बात कही, हे महाप्रभु मैं तो आपसे भी आपका उपदेश सुनकर आपका ज्ञान प्राप्त करके बड़ा हर्षित होऊंगा, कृपा करके आप भी मुझे ज्ञान दिया करें। तो उन्होंने कहा, अरे रघुनाथ तुम जानते नहीं हो मैंने तुम्हें किसको समर्पित किया, स्वरूप दामोदर। वो स्वरूप दामोदर कोई साधारण नहीं, वो स्वयं मुझे ज्ञान प्रदान करते हैं, वो स्वयं मुझे हर प्रकार की शिक्षा प्रदान करते हैं। पहले मैंने बताया भक्ति का अनुभव भगवान को नहीं है, मतलब भक्त के हृदय में जो अनुभव आ रहे हैं, अनुभूतियां हो रही हैं, भगवान उन्हीं अनुभूतियों को अनुभव करने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए और उन्हीं अनुभूतियों को पूर्ण तरीके से अभी सीख रहे हैं। इसीलिए उन्होंने कहा, हे रघुनाथ जो अनुभूतियां हैं भक्त के हृदय में वो तो ये गदाधर पंडित स्वरूप दामोदर राय रामानंद आदि जानते हैं, इसीलिए मैंने सर्वश्रेष्ठ तुम्हें गुरु प्रदान किए हैं और तुम चिंता नहीं करो, वो हर प्रकार से तुम्हारी सहायता करेंगे। इस प्रकार से बहुत सारी लीलाएं हैं स्वरूप दामोदर जी के, अभी महाराज जी के मुखारविंद से भी हम श्रवण करेंगे। धन्यवाद।
ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्री श्रीमद् भक्ति वेदांशधर गोस्वामी नामिने। मैं सर्वप्रथम अपने गुरु पाद पद्म जय वंशपाल सुदर्शन शिष्य भक्ति वेदा सुदर्शन गुरु महाराज के अपने चरणों में कोटि दंड ज्ञापन करता हूँ। तदुपरांत मेरे क्रमगुरुदेव जय नित्य लीला कवि विष्णुपाल भक्ति वेदा नारायण स्वामी महाराज एवं श्री श्री गुरु सिद्धांत गोस्वामी महाराज के अनंत कोटि चरणों में दंड ज्ञापन करता हूँ। तदुपरांत यहाँ उपस्थित सभी वैष्णव वैष्णवी अथवा योग्य तथा विवास सभी के चरणों में दंड ज्ञापन करता हूँ। हरे कृष्णा। कुछ दिनों पहले हम जो है श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को श्रवण कर रहे थे गुरुदेव के हितों की कृपा से। वैसे तो कुछ सामर्थ्य नहीं है बोलने का, लेकिन फिर भी चेष्टा कर रहा था कुछ बताने की। तो हम लोगों ने सुना था कि किस प्रकार श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु अपने पिताजी का जो है तर्पण करने के लिए गया पहुँचते हैं। तो अपने पिता का तर्पण किया उन्होंने वहाँ पर, और उसके बाद वो जो है गया से वापस आए हैं, पुनः नवदीप धाम में आए हैं। आज वो जो है अपने भक्त चांद काजी पर जो है कृपा करेंगे। चांद काजी जो है मुसलमान कुल से थे और उसी की ही लीलाओं को जो है हम श्रवण करने की थोड़ी सी चेष्टा करेंगे। तो जब श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु नवदीप धाम में पुनः आ जाते हैं गया से, तो वो अपना हरिनाम संकीर्तन जो है प्रचार करना आरम्भ कर देते हैं। हरिनाम संकीर्तन को प्रचार करने के लिए अलग 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 जो है घरों में वो जाया करते थे संध्या के समय में, और वहाँ पर जाकर के भक्तों के संग बैठ करके संकीर्तन को किया करते थे। उसी श्रृंखला में महाप्रभु जो है आज अलग अलग घर में जा रहे हैं और संकीर्तन का प्रचार कर रहे हैं। जब वहाँ पर मुगल के जो शासक था चांद काजी, मुसलमानों का वहाँ पर राज था, तो मुसलमानों का ही जो राजा था चांद काजी, जब उसे पता चला कि श्रीमद् गौर सुंदर हरि जो है वहाँ पर इस तरीके से प्रचार कर रहे हैं, हरिनाम संकीर्तन करते हैं अलग अलग घर में जा करके, और तो उसे बहुत ही ज़्यादा जो है गुस्सा आया। वो इतना क्रोधित हो गया कि उसने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है मेरे राज्य में जो है आकर के कोई हिंदू जो है इतना प्रचार कर सकता है। तो चांद काजी क्या करता है, अपने सैनिकों को आदेश देता है कि चलो मेरे साथ और आज हम उस भक्त के घर में जाएंगे जहाँ पर संकीर्तन हो रहा होगा। तो चांद काजी जो है अपने भक्तों को लेकर के और ऐसे एक भक्ति घर में पहुँचा, अपने सैनिकों को लेकर के ऐसे भक्तों के घर में पहुँचाता है जहाँ जो है हरिनाम संकीर्तन हो रहा था। तो सैनिकों ने जब उसके अंदर घर में घुसे वो, तो चांद काजी ने वहाँ पर देखा कि एक मृदंग रखा हुआ था, जैसे ये रखा है ना हमारे मृदंग बजाते हैं, इसी प्रकार एक मृदंग रखा था वहाँ पर। तो चांद काजी गए और उस मृदंग को उठा करके जमीन पर दे मारा, पटक दिया और उसके जो है वहाँ पर टुकड़े टुकड़े हो गए। इस प्रकार जो है सारे के सारे जो वैष्णव लोग जो हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे वो सब लोग गुस्सा हो गए, या फिर कह सकते हैं हम डर गए। तो चांद काजी कहता है कि आज तो मैंने सिर्फ ये जो है मृदंग फोड़ा है, अगर तुम लोग नहीं माने तो मैं अगली बार आऊंगा और तुम लोगों को कठोर से कठोर जो है दंड दे दूंगा, सबको अपने साथ ले जाऊंगा। इस प्रकार जो है चांद काजी हम सभी वैष्णवों को भक्तों को जो है डराने की चेष्टा वहां पर कर रहे हैं। लेकिन जिसके ऊपर श्री हरि का हाथ है वो कैसे डरेंगे, अभी देखिए सिर्फ वो लीला कर रहे हैं कि हाँ हम लोग जो है डर गए हैं चांद काजी से। तो सारे के सारे वैष्णवगण जो है लीला करते हैं कि अरे हमें तो बहुत डर लग गया, अब हम कैसे हरिनाम संकीर्तन जो है करेंगे। तो जब श्रीमद् गौर सुंदर को इस बात का पता चलता है कि चांद काजी वहाँ पर आया भक्ति घर पे और उसने जो है मृदंग को तोड़ दिया और सारे वैष्णवगण डरे हुए हैं, तो श्रीमद् गौर हरि गौर सुंदर कहते हैं कि तुम चिंता ना करो, ऐसा करते हैं हम लोग जो है कल इकट्ठा होंगे, और देखो अभी तक तो हम हरिनाम संकीर्तन कहाँ करते थे, सिर्फ घरों के अंदर करते थे, अब से हम हरिनाम संकीर्तन विशाल विशाल जनसमूह बना बना करके और नवदीप की गलियों गलियों में जाएंगे और हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करेंगे। और ऐसा ही होता है। अब श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु साहस करके लोगों को एकजुट करते हैं, कहते हैं कि कल तुम जो है संध्या के समय इकट्ठा होना, सब अपने अपने हाथों में मशाल जला करके लेकर के आना और हम हरिनाम संकीर्तन करते हुए पूरे नवदीप की जो है गलियों के अंदर इधर उधर डोलेंगे और हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करेंगे। तब महाप्रभु कहते हैं और जो भी कुछ होगा वो सब कुछ जो है मैं देख लूंगा, देखता हूँ क्या बिगाड़ता है हमारा चांद काजी, वो क्या करेगा अगली, उसकी क्या जो है उसका अगला स्टेप क्या होगा।
तो महाप्रभु की इन सारी बातों को सुनकर के उनके भक्तों के अंदर, वैष्णवों के अंदर और भी ज्यादा जो है जोश आ जाता है, हर्ष की लहर दौड़ने लगती है, सब तैयार हो जाते हैं। जो अभी डरे हुए थे ना, चांद काजी ने आकर के जैसे मटका मृदंग फोड़ दिया तो वो लोग डर गए थे, लेकिन श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु की इन बातों को सुनकर के उनके मन में एक हर्ष की लहर आ गई। बहुत लोग सभी खुश हो गए, उत्साहित हो गए और सब लोग प्रतीक्षा करने लगे कि कैसे कल का दिन आए, कल का दिन आए, फिर उसके बाद कैसे संध्या हो, कैसे हम लोग सब इकट्ठा होकर के और जो है हरिनाम संकीर्तन को प्रचार करने के लिए चले। और ऐसा ही हुआ, अगले दिन हुआ और श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों को लेकर के जो है नवदीप की गलियों में हरिनाम संकीर्तन प्रचार करने के लिए चले। अनेकों अनेकों करताल, अनेकों अनेकों मृदंग वाद्य यंत्र लेकर के जो है सभी भक्त विशाल टोली बना करके और हरिनाम संकीर्तन करते ऊंचे ऊंचे स्वर में हरे कृष्ण महामंत्र का गान करते हुए जा रहे हैं। और फिर क्या होता है कि सभी भक्तों के हाथों में मशाल तो थी, महाप्रभु ने पहले दिन आदेश दिया था कि सभी लोग अपनी मशाल लेकर के आएंगे, तो सब लोग जो है मशाल लेकर के चल रहे थे। और जैसे ही वो हरिनाम संकीर्तन टोली जो थी राजा के महल के निकट पहुंची, तो राजा के सैनिक जो है डरने लगे, अरे इतने हजारों हजारों की संख्या में वैष्णव लोग आ रहे हैं, ऊंचे ऊंचे स्वर में हरे कृष्ण महामंत्र का गान कर रहे हैं, वाद्य यंत्र बजा रहे हैं, वो सब लोग भयभीत हो गए, डरने लगे और जाकर के उन्होंने जो है चांद काजी को इन्फॉर्मेशन दी, अंदर जाकर के बताया कि देखो हम तो कल एक मृदंग ही फोड़ करके आए थे, वहां तो कुछ ही भक्त थे, आज श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु हजारों हजारों भक्तों को लेकर के और हमारे महल के निकट ही आ पहुंचे हैं। तो जो चांद काजी था वो और भी ज्यादा भयभीत हो गया और घर के अंदर जाकर के भीतर वाले कमरे में जो है वो छुप जाता है और जो है सैनिक बाहर आ जाते हैं। जब श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि सैनिक तो जो है खाली हाथ वापस आ गए हैं और चांद काजी तो बाहर नहीं आया, तो श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु ने ही कुछ अपने शिक्षकों को वैष्णवों को कहा कि तुम अंदर जाओ और चांद काजी को बुला करके लेकर के आओ, आज मैं जो है चांद काजी से मिले बिना यहाँ से नहीं लौटूंगा। और ऐसा ही हुआ, सब कुछ वैष्णव लोग जो है अंदर गए और चांद काजी को जो है वो पकड़ करके बाहर लेकर के आए हैं। अब देखिए चांद काजी की क्या दशा हो रही है, चांद काजी बिल्कुल लज्जा में जो है सिर झुकाए शर्माए जो है आ रहा है, सिसक सिसक करके फिर आकर के महाप्रभु के सामने रो रहा है, सिर झुकाए खड़ा है। तो अभी चांद काजी को देख करके महाप्रभु कहते हैं, अरे चांद काजी तू तो कल बड़ी बड़ी बातें करके आया था, तूने मृदंग फोड़ दिया, कह रहा था कि अगर कोई अभी भी नहीं माना तो उसको कठोर से कठोर दंड दूंगा, तेरी जाति नष्ट कर दूंगा, तू तो बड़ी ऐसी ऐसी बातें कह रहा था और आज जो है अंदर छिपा बैठा है, मैं तो तेरे द्वार पर जो है अतिथि बन करके आया हूँ और हमारा तो कर्तव्य क्या है, सदैव अपने अतिथि का जो है हमें सत्कार करना चाहिए और तू मेरे से छिपा हुआ अंदर बैठा है, और जब मैंने तुझे बुलाने के लिए सैनिक भेजे तो तब भी तू बाहर नहीं आया। इस प्रकार जो है फिर वो जो चांद काजी था वो श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु के चरणों में जो है गिर जाता है और गिर करके रोने लगा। तो श्री हरि श्रीमद् गौर सुंदर चांद काजी को जो है उठाते हैं, कहते हैं कि चांद काजी तू ये क्या कर रहा है, तुझे तो जो है इन सारे वैष्णवों को दंड देना चाहिए जिन्होंने तेरी बात का अवहेलना की, जिन्होंने तेरी बात को नहीं माना और ये सब मेरे साथ जो है हरिनाम संकीर्तन प्रचार करने के लिए निकल पड़े, तू उठ इनको सबको दंड दे। चांद काजी कहता है नहीं नहीं मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ। तब काजी बोला महाप्रभु ऐसा करिए आप जो है एकांत में आइए और मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। तो श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु चांद काजी से कहते हैं नहीं चांद काजी एकांत में कोई बातें नहीं होंगी, जो भी बात कहनी है मेरे सारे भक्तों के समक्ष कहिए, ये सारे मेरे अपने हैं, मेरे सब परिकर हैं, आपको जो भी कुछ कहना है वो सब कुछ मेरे इन भक्तों के समक्ष ही कहिए। तो देखो फिर चांद काजी जो है अब श्रीमद् गौर हरि गौर सुंदर को जो है बताता है कि देव महाप्रभु जिस समय मैं आपके भक्त के घर में मृदंग फोड़ाया था उस समय उसी रात जो है जब मैं अपने महल में लौटा तो मुझे रात को जो है एक स्वप्न ऐसा महसूस हुआ कि एक कोई दिव्य प्राणी मेरी छाती के ऊपर बैठा हुआ है
और उसका जो शरीर था, पेट का जो ऊपर का भाग था वो तो एक शेर के भांति था, और वो नीचे से जो है एक मनुष्य की भांति लग रहा था। उसके नाखून इतने बड़े बड़े थे मानो वो मेरी छाती के अंदर उसने घुसा रखे हों और मेरी छाती को वो जो है फाड़ना चाह रहा हो। और ऐसा लगा जब उसने मेरी छाती के अंदर नाखूनों को घुसाया और फाड़ना शुरू किया तो मुझे इतनी पीड़ा हुई, इतनी वेदना हुई कि मैं एकदम आलादित होकर के जो है उठ पड़ा। मैं निशान भी है मेरी छाती पर। तो अब जो है उसने श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु को इस तरह का वृतांत का सारा सुनाया चांदकाजी ने। तो फिर अब चांदकाजी की सारी की सारी बातों को सुनकर के श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु तो समझ ही गए अब उनसे जो है बहुत ज़्यादा क्षमा मांगता है। फिर चांदकाजी ने अपनी जो है छाती के निशान महाप्रभु को दिखाए, देखिए किस प्रकार जो है मेरी छाती पर वही निशान है। तो जो श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु के साथ अन्य अन्य वैष्णव गण थे वो समझ गए कि ये कोई और नहीं था व्यक्ति जो उनके स्वप्न में आया था, ये स्वयं हमारे श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु श्री गौर हरि गौर सुंदर ही श्री नरसिंह भगवान का रूप लेकर के जो है उसके स्वप्न में आए और उन्होंने ही उसकी जो है छाती को फाड़ने की लीला करी, उन्होंने ही अपने भक्तों के ऊपर कृपा करी है। जब श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु को उसने ये सारा वृतांत सुना दिया, चांदकाजी जो है उनके चरणों में नतमस्तक हो जाता है। महाप्रभु श्री चांदकाजी को जो है आलिंगन करते हैं, दोनों आपस में एक दूसरे को आलिंगन करते हैं। काजी बोलता है कि श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु को कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि यदि मेरे वंश में भी कोई आगे अगर कीर्तन में संकीर्तन में बाधा डालने की कोशिश करेगा तो मैं उसे तलाक दे दूंगा, क्योंकि मुसलमान था ना, तो उसने कहा कि मैं उसे तलाक दे दूंगा, मतलब त्याग कर दूंगा, उसका परित्याग कर दूंगा। इस प्रकार कहकर के वो जो है श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु के चरणों में प्रार्थना करता है। महाप्रभु ने फिर काजी को आलिंगन करते हुए कहा, काजी तुम जो है मेरे परम भक्त हो, मुझे तुम बहुत ही ज़्यादा प्रिय हो और मेरी तुम्हारे ऊपर अहितु की जो है कृपा हुई है। चांदकाजी तुम परम वैष्णव बन गए हो, अब तुम जो है कोई भी चिंता ना करो। और देखिए फिर वो बाद में जाकर के इतना बड़ा परम वैष्णव बना कि हमने गुरुदेव के मुखारविंद से सुना है कि जब श्री चांदकाजी ने अंतिम समय में मृत्यु को प्राप्त किए, मतलब जब वो उनका मृत्यु हो गई तो उनकी समाधि को भी स्वयं श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु ने ही उनको समाधिस्थ किया है। और आज भी जब हम गुरुदेव के संग नवद्वीप में जाते हैं तो नवद्वीप में जब मायापुर जाते हैं ना तो लास्ट पॉइंट वही होता है उस वाली यात्रा का, चांदकाजी की समाधि पर जाते हैं, वहाँ पुष्प चढ़ते हैं और उसकी परिक्रमा करते हैं। हरे कृष्णा वांछा कल के कि अगर भगवान को अगर हृदय से हम पुकारें, भगवान की हृदय से अगर बच्चे को, क्योंकि बच्चा तुम क्या करते हो, टीचर करता हूँ, टीचिंग करता हूँ, तुम्हारी क्या क्या करते हो, पढ़ाता हूँ गुरुदेव में, कहाँ पढ़ाते हो, स्कूल में पढ़ाता हूँ, स्कूल में पढ़ाता हूँ, कौन से क्लास में, टेंथ क्लास को पढ़ाता हूँ, क्योंकि बच्चा टीचर है, बच्चों को पढ़ाता है और उसके साथ साथ में भगवान की भक्ति भी करना है, भगवान को भक्ति करना है, इसलिए रोज रोज खड़े होकर के भगवान के बारे में थोड़ा थोड़ा बताता है। यहाँ से आ गए आप लोग भी कितनी ज़्यादा सांप तेज कर दो, ज़्यादा सांप तेज कर दो, सुबह हम भी चाहते हैं आप लोग भी अपना घर का काम भी ठीक से करो और उसको साथ साथ में भगवान की भक्ति की जगत में प्रचार कराकर सनातन धर्म की जगत में प्रचार हो। सभी लोग अपना अपना धर्म प्रचार करते हैं। आपको पता होगा जो मुसलमान क्रिश्चियन तो साल में 10,000 हिंदुओं को भी क्रिश्चियन बना रहे, ये क्रिश्चियन बना रहे, लेकिन हम लोग क्या करते हैं खाते पीते और सो जाते हैं। वो लोग अपना धर्म के लिए ना मरने मारने के लिए तैयार हो जाते, जितना हमको बच्चों को बप्पल से शुक्रवार करनी टोपी पहना करके ले जाते और मेन रोड को बंद कर देते, बंद कर देते हैं मेन रोड को, उनका किसी बच्चे का भी कुछ लोग पूरा विषय में वो सबके सब याद पूरा हो, सबको याद हो पूरा, लेकिन हमारे हिंदू बच्चे को कुछ सब गीता का श्लोक हो ये कुछ नहीं जानते, इसलिए हम भी अपना धर्म का प्रति हमें भी उजागर होने चाहिए। देखो जब चैतन्य महाप्रभु आए उसी समय में भी जब महाप्रभु का भक्तों को प्रचार कर रहे थे उसी समय में क्या हुआ, जो काजी था मुसलमान था इसलिए उनको जो ढोलकी बजाते ना बड़े तोड़ दिया उन्होंने, खबरदार तुम लोग देखो कहाँ हिंदुस्तान में हिंदू लोग अपना हिंदू धर्म को प्रचार नहीं कर सकते, हरि के नाम को
नहीं ले सकते कैसे, उन्होंने ऐसे ये किया था, लेकिन उन्होंने जब उन्होंने मृदा को तोड़ दिया, साक्षात भगवान नरसिंह देव, तुमको पता है ना नरसिंह भगवान प्रहलाद को जिन्होंने हर विपत्तियों से उन्होंने रक्षा किया, उन्होंने देखा रात को ये नरसिंह देव भगवान स्वयं प्रकट हो गई और उसका छाती के ऊपर बैठ कर तेरे छाती को मैं फाड़ दूंगा, तेरे छाती को मैं फाड़ दूंगा, तुम हमारे भक्तों का ढोलकी मतलब मृदा को तोड़ दिया है हैं। फिर उसके बाद में उनने पूरा परिवार बदल गया, अभी भी नवद्वीप में जाओगे मुसलमान लोग हैं, देखो गले में तुलसी गड्ढी पहन रहे, तिलक लगाते, क्योंकि उसने कहा मेरे वंश में कोई भी आएगा अगर कभी ये हिंदू धर्म हमारे सनातन धर्म का विरोध करेगा तो मैं इसको तलाक दे दूंगा। अभी भी उनकी परंपरा में है मुसलमान लोग, लेकिन गले में कंठी तिलक चोटी धारण करते, भजन करते ये सब के सब। इसलिए अगर हम भगवान के हृदय से पुकारे भगवान जरूर हमें रक्षा करते हैं, जैसे प्रहलाद को ठाकुर जी हर विपत्तियों से ठाकुर जी प्रहलाद को रक्षा किया। इसलिए हमें विश्वास पूर्वक क्या करनी चाहिए, अपना जो हिंदू धर्म को सनातन धर्म को बढ़ानी चाहिए, आगे क्या करो आगे आगे बढ़ाओ अपना धर्म को, आगे आगे धीरे धीरे अपना धर्म को प्रति उजागर होकर बढ़ानी चाहिए हैं, हमें बढ़ानी चाहिए, खुद भी भक्ति करो और बच्चों को भी भजन में लगाओ। क्या करना चाहिए, कोई कोई बोलते ना बच्चे बात नहीं सुनते हैं, मतलब बच्चे बात नहीं सुनते हैं, इसलिए हमारे गुरु जी कहते थे मतलब बच्चों को स्कूल जोर जबरदस्ती भेजते कि नहीं, भेजते कि नहीं, सवेरे छः अगर 7 बजे गाड़ी आएगा ना 6 बजे जगाते कि नहीं 6 बजे, और उसको जोर जबरदस्ती उसको उसको ड्रेसिंग करके उसको जोर जबरदस्ती उसको हम भेजते भैया बेटा तो पढ़ने के लिए जा, वही बेटा जब जाता पढ़ लिख जाता है ना, अगर पिता माता कुछ बोले है तू गवार 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 हो तुम क्या जानते हो, पिता माता को गाली देता है, इतने लिखा पढ़ा सिखा देता है, बच्चे पिता माता को गाली देना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब उसको ऐसे गाली देना उसको सिखाने के लिए स्कूल भेज सकते हो क्या, भक्ति के बारे में नहीं सिखा सकते हैं, जैसे सवेरे उठ करके पिता माता की चरण छुए, पिता माता की सेवा करे, पिता माता का आदर करे, यदि ये संस्कार हम क्या बच्चों में नहीं डाल सकते, डाल सकते हैं ना, इसलिए क्या करो खुद भक्ति करो, बच्चों को भी घर में नियम बनाओ, जब तक 1 माला 2 माला नहीं करोगे तुमको खाना नहीं मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा, पहले 1-2 माला करो उसके बाद में भोजन मिलेगा, जैसे बच्चों को अंदर में अच्छे संस्कार पड़े, बच्चे भक्ति करे भजन करे। इसलिए देखो इन्होंने अभी एक उन्होंने एक स्टोरी सही घटना उन्होंने एक दिखाई बताएंगे आपको, विदेश में ये नरसिंह देव कैसे, विदेश में एक बच्चा कैसे नरसिंह देव को पूजा करता था और उसको पर विपत्ति आया तो भगवान नरसिंह देव उसको कैसे बचाया, वो एक सत्य घटना आपको अभी ये प्रभु ने सुनाया। बोलो गुरुवै गौरचन्द्राय राधिकाय स्तुतालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्रीगौर भक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे अपने गुरुदेव श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर्म कुशाई महाराज जी अगर चरण कमलों में अनंत कोटि शास्त्र में प्रणाम करता हूँ उपस्थित वैष्णव वैष्णव प्रभु जी ने समस्त वैष्णव प्रणाम करता हूँ। अभी जो आपको एक प्रश्न पूछा गया था अभी जो मैं आपको एक कथा बताने वाला हूँ ये एक सच्ची घटना है, इसको सुनने के बाद ना देखना रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सच्ची घटना ये साउथ अफ्रीका में एक जगह है उसकी राजधानी केप टाउन की एक घटना है। वहाँ एक परिवार वहाँ एक मंदिर खुला था सेंटर, तो वहाँ नरसिंह देव का मंदिर खुला था, ठीक है हमारी संस्था है स्कॉन की, तो उसमें एक मंदिर खुला था, मंदिर में जब नरसिंह देव की पूजा होती थी तो वहाँ के लोग जाते थे, कुछ एक परिवार अपने छोटे से बच्चे को लेके उस मंदिर में गया, जैसे आप लोग लाए ना छोटे छोटे बच्चों को, वैसे कुछ लोग अपने बच्चों को लेके गए मंदिर, अब वो मंदिर लेके गए तो वहाँ नरसिंह आरती हो रही थी, तो बच्ची ने देखा नरसिंह आरती हो रही है, उसे बड़ी अच्छी लगी नरसिंह आरती, उसने देखा नरसिंह देव
तो उसने पूछा अपने मम्मी पापा से, पापा पापा ये कौन है? तो उसके फिर पापा ने कहा क्या हम नर्सिंग दे दे, तो बोल भी नहीं पाएगी छोटी बच्ची। उन्होंने बोला बेटा ये है लॉइन गॉड। कौन है? लॉइन गॉड। लॉइन मतलब शेर और गॉड मतलब भगवान, ये लॉइन गॉड है। तो बच्ची ने अरे वाह लॉइन गॉड, अब फेस बिल्कुल शेर जैसा और भगवान। बट बच्ची बड़ी खुश हुई, कह रही पापा पापा मुझे लॉइन गॉड चाहिए। अब उनके पापा गए तो वहाँ नरसिंह देव की छोटी सी एक फोटो ले ली उन्होंने, छोटा सा फोटो फ्रेम ले लिया और बच्ची को दे दिया। बच्ची बड़ी खुश और हमेशा उसी के साथ खेलती हो, जैसे हम खेलते हैं बच्चे गुड्डा गुड़िया फोन में, वो बच्ची किसी के साथ नहीं, सिर्फ और सिर्फ लॉइन गॉड। लॉइन गॉड को अपने साथ सुलाती, उन्हें खाना खिलाती, अपनी सहेलियों को सहेलियों के पास आती, कहती देखो मेरे लॉइन गॉड, उनको बता दी। और नरसिंह उन्हें थोड़ी सी आरती भी याद हो गई थी बच्ची को, वो जाती थी उनको आरती भी सुनाती नरसिंह देव की, स्कूल में भी जाती, तो सब बच्चे उसको देख के बड़े खुश रहते थे। जहाँ देखो उस जब देखो लॉइन गॉड लॉइन गॉड लॉइन गॉड, ठीक है, और हमेशा बिल्कुल उन्हीं में डूबी रहती थी। उतना उस बच्ची को इतना विश्वास हो गया था यही मेरे गॉड है लॉइन गॉड। अब एक दिन की बात है, संडे की बात है, उसके जो फादर थे वो एक फर्स्ट फ्लोर पर बैठ के चाय पी रहे थे, फर्स्ट फ्लोर में अपने बैठ के चाय पी रहे थे, और उन्होंने देखा उसकी उनकी बच्ची नीचे खेल रही है, बॉल से खेल रही है। तभी बॉल वो अचानक खेलते खेलते रोड में चली गई, मेन रोड पे, मेन हाईवे था वहाँ का कैप टाउन का। तो जब जैसे वो बॉल हाईवे पे गई तो उसके पिताजी ने देखा एक ट्रक बड़ी स्पीड में दूर से आ रहा है, बड़ी स्पीड में, और वो वहाँ से चिल्लाने लगे अपनी बच्ची को कि रुको रुको मत जाओ मत जाओ। लेकिन वो छोटी बच्ची थी, उसका तो ध्यान पूरा कहाँ था, उसकी बॉल पे। वो भागती गई भागती गई भागती गई और मेन रोड में पहुँच गई। अब उसके पिताजी ने क्या किया, फर्स्ट फ्लोर से कूद गए, फर्स्ट फ्लोर से कूद गए और उनकी दोनों टांगे टूट गई। अब वो देख रहे अपनी बच्ची को कि वो मेन रोड पे जा रही है, ट्रक बड़ी स्पीड से आ रहा है। अब उनके उनका मन कर रहा था मैं मर जाऊंगा, बैठ जा रही हूँ। अब उनका क्या मन कर रहा था, मैं मर जाऊँ बस, क्यों, बच्ची खड़ी है मेन रोड पे बॉल उठाने जा रही है और वहाँ से स्पीड में ट्रक आ रहा है, ट्रक वाला भी स्पीड धीरे नहीं कर रहा, और वो पिताजी देख रहे अपनी बच्ची को, उनका मन कर रहा मैं मर जाऊँगी। अब वो कुछ कर भी नहीं सकते, असहाय हो गए, उनके पैर भी टूट गए फर्स्ट फ्लोर से कूद के। अब बच्ची वही खड़ी है और ट्रक आया स्पीड में और उसने बच्ची को बहुत जोर जोर टक्का लगाया, बच्ची कम से कम 20 मीटर दूर और 10 फीट ऊंची उछल के जाके गिरी। उनके पिताजी ने वहाँ जाके अपना सर पटक दिया और रोने लगे। तभी क्या हुआ, उधर से एक पुलिस की गाड़ी भी आ रही थी, उन्होंने जैसे तैसे उस गाड़ी को रुकवाया, ट्रक को रुकवाया, तो देखा जो ड्राइवर था ना उसने बहुत शराब पी रखी थी, ठीक है, और वो क्या हुआ था, होपलेस हो गया था। उसने देखा अचानक गाड़ी के सामने बच्ची आ गई, उसने स्पीड में बढ़ा दी गाड़ी और उससे बच्ची को टक्कर लगी और बच्ची साइड में। जैसे तैसे एम्बुलेंस बुलाई गई, एम्बुलेंस आई, उस बच्ची को हॉस्पिटल लेके गए, जैसे तैसे फटाफट इमरजेंसी वार्ड में ले गए उस बच्ची को। अब डॉक्टर ने अपनी नर्सों को बोला फटाफट जाओ इसका एक्सरे करके लाओ, बच्ची का फटाफट एक्सरे करके लाओ। जब उस बच्ची का एक्सरे करके नर्स लाई डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने एक्सरे देखा और नर्स को डांटा, कह रही कितना टाइम हो गया तुम्हें नौकरी करते हुए, मैंने तुम्हें बोला इस बच्ची का एक्सरे लेके आओ, तुम किसका उठा लाए, जाओ उसका लेके आओ एक्सरे। वो नर्स कह रही नहीं डॉक्टर साहब ये उसी का है, मैंने कहा ना उसका एक्सरे लेके आओ। वो दोबारा गई, उसने दोबारा एक्सरे करा उस बच्ची का और दोबारा एक्सरे दिया, डॉक्टर देख के हैरान, कह रही उसी का एक्सरे, कह रहे हाँ, कह रहे इसके तो एक भी कोई फ्रैक्चर नहीं है, है? और जबकि पुलिस वाले बता रहे हैं, उसके पेरेंट्स बता रहे हैं कि इस बच्ची में बहुत जोर की ट्रक लगी, 20 मीटर दूर और 10 फीट ऊंची उछली थी, है इतनी जोर की ट्रक, 120 से 140 की स्पीड में ट्रक था और इतनी टक्कर लगने के बाद तुम कह रहे हो इसकी हड्डी, कोई हड्डी नहीं टूटी, कुछ नहीं हुआ। वो बच्ची को देखने गए आईसीयू में, तब तक बच्ची को होश आ गया, बच्ची को होश आ गया, डॉक्टर हैरान, उन्होंने पूछा बच्ची से क्या हुआ, क्या हुआ था तुम्हें, तो उसने बताया उसके पेरेंट्स आ गए थे, उसकी मम्मी आ गई थी कि मम्मा मम्मा मैंने देखा कि मैं तो बॉल उठा रही थी, मैंने देखा ट्रक बड़ी तेज सामने से आ रहा है और मुझे कुछ याद नहीं रहा, सिर्फ मुझे क्या याद रहा कि मेरे लॉइन गॉड, मैंने मन ही मन इनको याद किया लॉइन गॉड, और तभी लॉइन गॉड आए, उन्होंने मुझे बोला कि डरो मत मैं हूँ तुम्हारे साथ, और उन्होंने मुझे उठाया और साइड में एक जगह पे घास के ढेर पे रख दिया। कह रही मम्मी मम्मी आपको पता है
लॉयन कोट के जो बाल है ना जो सेकम है बड़े मुलायम बाल है उनके, बड़े सुंदर, उनकी बड़ी सुंदर आंखें, लेकिन मम्मी एक बड़ी गड़बड़ है। मम्मी ने पूछा क्या हुआ, उनके ना नेल्स ना बहुत बड़े बड़े हैं, मेरी टीचर देखेगी ना तो उनको बहुत डांटेगी, मेरी टीचर देखेगी उनको बहुत डांटेगी, उनको बोलना अपने नेल काट दे। तो डॉक्टर ने कहा शायद इसको एक्सीडेंट हुआ है, सदमे में पता नहीं क्या क्या बोल रही है, ये सदमे में बोल रही है कुछ। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं डॉक्टर, सब पुलिस वाले ने बोला नहीं भैया हमने भी देखा है, उसके पिताजी कह रहे नहीं इसका एक्सीडेंट हुआ है। तो उसका डॉक्टर ने चेकअप किया, डॉक्टर भी हैरान, तो देखा उसकी पीठ में एक पंजे का निशान। तो डॉक्टर ने कहा भैया तुम झूठ बोल रहे हो, इस पर किसी जंगली जानवर ने आक्रमण किया है, इसकी जो पीठ में निशान है ना किसी पंजे का है। तो उन्होंने कहा नहीं, ये जो बच्ची बता रही ना सच में, वो किसका नेल था, नरसिंह देव का, तो किसका था, नरसिंह देव का। तो ये अभी अभी की घटना है, ये पूरे न्यूज़पेपर में सब जगह फैली थी, बड़े बड़े जो मंदिर के जो हमारे संस्था के लोग थे ना उस बच्ची के दर्शन करने गए थे, उस बच्ची को भोग लगाया, इस बच्ची ने किसके दर्शन किए, साक्षात नरसिंह देव के। ये साधारण बात नहीं है, अभी भी हम लोगों का हृदय से भगवान को पुकारेंगे ना भगवान हमारे समक्ष प्रकट हो जाएंगे। तो मैं देखता हूँ जो छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं ना, कि इनकी अभी से अगर इनको ये जुड़ेंगे, अभी से इनके अंदर मन में भाव आएगा और अभी से भगवान का प्रणाम करेंगे, भक्ति करेंगे ना, तो देखना एक दिन जरूर इनको भी भगवान के दर्शन प्राप्त होंगे। तो ये बोल के मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। नरसिंह देव की जय, नरसिंह देव की जय। जो रसिया है ये पहले आपको पता होगा कि पहले कम्युनिस्ट कंट्री था, इनके देश में भगवान भगवान कुछ नहीं मानते थे, बड़ा नास्तिक देश था, लेकिन वहाँ पर भी हमारे हिंदू लोग जाकर के प्रचार करते थे, इस्कॉन को जो भक्त लोग वहाँ भी जाकर के भगवान की भक्ति प्रचार करते थे। लेकिन वो क्या करते थे, उनका जो रसिया की जो लोग वो भक्ति में आ करके छुप छुप करके भक्ति की प्रचार कर रहे थे, छुप छुप कर घर घर में जाते थे, भगवद गीता देते थे, कौन ये क्रिश्चियन लोग हमारे सनातन धर्म को ये प्रचार कर रहे थे। जब ये लोग पकड़ गए छुप छुप करके जब सब घर में भगवत गीता दे रहे हैं भक्ति का बात, तब तो उनको जेल में डाल दिया। जब जेल में डाल दिया उनको, अभी वो तो भागवत पढ़े, जैसे प्रहलाद महाराज के ऊपर जो विपत्ति आई, नरसिंह भगवान कैसे प्रहलाद को हर विपत्ति से बचाए, पिताजी पहाड़ के ऊपर से फेंक दिए, भगवान उसको पकड़ लिए, उनको काल कोठरी में बंद कर दिए, और ठाकुर जी वैकुंठ से आकर के रोज बढ़िया बढ़िया भजन कराते थे। उनको होलिका को वरदान था, इसको कोई अग्नि स्पर्श नहीं करेगा, लेकिन वहाँ पर उन्होंने चिता में बैठा दिए प्रहलाद को, आग लगा दिया तो होलिका जल करके राख हो गई, प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। बोले क्यों, बोले जाके राके साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जगह बैली हो, इसलिए उसको सुनते थे। अभी उनको जब जेल में बंद कर दिया, अभी जो जेल कीपर है अभी उनको सजा दे रहा था, सजा कैसे दे रहा था, लाइन करके उनको सब जेल था, लोग सब अलग अलग कोठरी में थे, और एक तरह से वो पिटाई करते करते आ रहा था, जो वहाँ पर जो बदमाश लोग थे कोई चोरी किया था उल्टा पुलटा पिटते पिटते, और जोर जोर से चीख रहे थे बचाओ और नहीं करेंगे छोड़ दो, और ऐसे चित्कार करते करते आ रहे थे, पिटते 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 पिटते। अभी जो इस्कॉन के जो हमारे भक्त लोग थे वो क्या करते थे, देखो इन लोगों के अंदर में कितने निष्ठा, देखो ये लोग विदेशी होकर के ना, कभी वृंदावन जाओगे देखोगे रसिया के भक्तों को देखोगे, हम तो भारत के लोग हैं, हमारी यहाँ की लड़कियाँ हैं उनको देश में उन लोगों ने केस कर दिया सरकार के पास में, बोले हम ये साड़ी पहन करके क्यों कॉलेज नहीं जा सकते, साड़ी पहन कर हम कॉलेज जाएंगे, अभी उनको केस कर दिया, मतलब कुछ इस्कॉन के भक्त लोग सरकार के साथ में केस चल रहा है, हम साड़ी पहन करके जाएंगे, हाँ हम ये जीन्स नहीं पहनेंगे। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है भारत के जो लड़कियाँ ये केस कर रही सरकार से, हम जीन्स हाँ स्कर्ट पहन क्यों नहीं जाएंगे, हम जीन्स पहन कर क्यों नहीं जाएंगे। कभी वृंदावन जाओगे ना अंग्रेज वहाँ पर विदेश अंग्रेज का मैट अब जा करके देखना, लड़कियाँ कैसे साड़ी पहनी हुई, सर के ऊपर कपड़े कैसे ढकी हुई, देख के तिलक लगाए हुए, गले में तुलसी की कट्ठी पहनते हुए उनको देखोगे। हम तो हिंदू श्लोक पूछो गीता का याद नहीं, वो पूरा गीता की गीता सुना देंगे, भागवत की भागवत सुना देंगे, हैं ऐसे वो लोग प्रभु की भक्ति करते हैं। वो लोग कैसे वहाँ पर तो उनको माला बना छीन लिया, माला करते थे ना, माला छीन लिया,
अभी उनके पास में माला नहीं, अभी माला कैसे करेंगे, देखो माला कैसे करते हैं, वो ब्रेड उनको खाने के लिए देते थे ना, वो छोटे छोटे ब्रेड को एक एक मोती बनाया और 108 मोती बन, इसमें 108 मोती है, उन्होंने ब्रेड को छोटे छोटे मोती बनाया और वो ब्रेड को मोती रख करके अलग रख दिया और क्या कहते, हरे कृष्णा बोलो जोर से, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, और जोर से बोलो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। देखो उनका कितना निष्ठा, पूरा एक ब्रेड को उठा करके रखते हैं, फिर हरे कृष्णा बोले दूसरे ब्रेड, ऐसे ही जेल में बैठी बैठ कर हरिनाम करते हैं। अगर हम भारतीय लोग हैं ना, अगर भक्ति करते हुए थोड़ी सी कोई गड़बड़ी हो जाएगा ना, खाना नहीं छोड़ेंगे, पीना नहीं छोड़ेंगे, हैं सोना नहीं छोड़ेंगे, लेकिन माला ही छोड़ देंगे। बोले हम भगवान कितना भजन किया, ठाकुर जी हमारे साथ में ऐसे किया, लेकिन और कुछ नहीं छोड़ेंगे, घूमना फिरना नहीं छोड़ेंगे, क्या छोड़ देंगे, सबसे पहले माला, मतलब माला छोड़ने के लिए पहले तैयारी बैठी, ये माला कैसे हमसे छूटे। लेकिन वो कहाँ अंग्रेजी होकर के, रसियान होकर के, उनकी कितने निष्ठा भगवान के प्रति, ऐसे बैठ बैठ कर जेल में भजन कर रहे थे, ऐसे अब सुनगना दंग रह जाओगे। अभी वो लोग आते हैं जिनको जेल में बंद किया था, अभी आते हैं सुन कर आश्चर्य हम हो जाते हैं, कैसे निष्ठा भक्ति प्रति। देखो क्या हुआ, अभी पिटते पिटते यहीं तक आए, कल से ही जो इसको जो हमारे भक्त थे इनका नंबर आएगा, और ये लोग जेल में बैठ करके हरि का नाम ले रहे हैं, ठाकुर जी बचाओ, नरसिंह देव का आरती, नरसिंह देव का नाम ले रहे, क्यों, नरसिंह देव ने प्रहलाद को हर विपत्ति से बचा है, इसलिए नरसिंह देव को पूजा नाम ले रहे, प्रभु जी कल हमारी पिटाई होगी, हैं हम तो तेरे नाम ले रहे ना, तेरे को भक्ति करते हमारी पिटाई होगी। अभी उन लोग बड़े दुखी है, इतने में रात को क्या हुआ, अभी जो नरसिंह देव बात बता रहे थे ना, रात में नरसिंह देव स्वयं प्रकट हुए और जो जेलर था जो पिटाई कर रहा था उसको घर में गए भगवान नरसिंह देव प्रकट होकर के, और उसको छाती के ऊपर नरसिंह देव बैठ बोले, ए कल जो बारी है मेरे भक्तों का, मेरे भक्तों का बारी है, अगर तो उनको पिटाई किया ना, देख तेरे छाती फाड़ दूंगा। नरसिंह देव आधा शेर और आधा इंसान, एकदम छाती में बैठ गए और उसको नाखून लगा दिया उनको छाती के ऊपर में, बोले ये छाती को मैं फाड़ दूंगा अगर तू मेरे भक्तों को हाथ दिया तो। उसे देख करके इतने डर गया, चिल्लाने लगे, नहीं तेरे भक्तों को नहीं मारूंगा, मेरे को छोड़ दे, तू मेरे को छोड़ दे, लेकिन छोड़ नहीं रहे थे उनको, छाती के ऊपर भगवान बैठ गए हैं नरसिंह देव, छाती के ऊपर बैठ गए, बैठ कर उनको छोड़ नहीं रहे थे। जब दूसरे दिन आया ना वो जो जेल कीपर था, सवेरे सवेरे भागते भागते आया, एकदम सवेरे सवेरे जो इसको उनका जो भक्त ले, और उनके चरण में गिरी पड़ा, बोले भैया तेरे जो भगवान को बोल दो, तुम लोग को हम नहीं मारेंगे, तुम लोग को मारेंगे नहीं, रात को एक भयंकर कहाँ से प्राणी प्रकट हुआ, मेरे छाती पर बैठ गया, देखो कैसे छील दिया, कैसे छाती पर मेरे नाखून और दाग बड़ा हुआ, तुम बोल दो तुम्हारी गढ़ को हम तुमको मारेंगे नहीं, हमको बोल दो भैया मारेंगे नहीं, फिर उनको मारना छोड़ दिया। इसलिए अगर दिल से भगवान को पुकार हुए ना, इसलिए कहते ना, कोई कहते हैं भगवान आते नहीं, बोले द्रौपदी जैसे तो गुलाब नहीं, कोई कहते हैं भगवान खाते नहीं, बोले सबरी के जैसे तो खिलाते नहीं, कोई कहते हैं भगवान सोते नहीं, बोले मैया जसोदा जैसे सुलाते नहीं, कोई कहते हैं भगवान नाचते नहीं, बोले गोपियाँ जैसे तो ठाकुर जी सब कुछ करते हैं। अगर हृदय से अगर ठाकुर को तुम पुकारो ना, निष्कपट हृदय से भगवान आवाज देते हैं, भगवान को रक्षा करते हैं। इसलिए क्या करो, विश्वास पूर्वक हरि नाम करो, विश्वास पूर्वक क्या करो, हरि का नाम करो, सवेरे सबसे सवेरे उठ करके नहा धो करके सारे काम को पीछे रखो, सारे काम को पीछे रखो, सबसे पहले भगवान की भजन करो, माला जप करो, क्योंकि जो जीवन हमें मिला 84 लाख जन्मों के बाद मिला, ठाकुर जी बारम्बार ये जीवन देते ही नहीं है, और इसी जीवन में ही प्रभु का भक्ति कर सकते हैं, और किसी जीवन में प्रभु का भक्ति कर ही नहीं सकते हैं, हैं 84 लाख जीवन में किसी जानवर किसी पशु पक्षी को बोले राम राम कृष्ण कृष्ण बोले, कोई बोल सकता है क्या, कोई नहीं बोल सकता है, इंसान कैसी बात। इसलिए भगवान राम
अयोध्या वासियों को कहते हैं, बोले साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जई पर लोक सवारा। हे अयोध्या वासियों, ये मानव शरीर नहीं, ये मुक्ति के दरवाजा पर तुम खड़े हो 84 लाख जन्म के बाद में। अगर इसी जीवन में भजन नहीं करोगे फिर तो वही 84 लाख जीवन में जाओगे, सर पिटते रहोगे, लेकिन इंसान का जीवन ठाकुर जी दो बार तुम्हें नहीं देंगे। इसलिए क्या करो, ये जीवन पाकर सबसे पहले सारे काम को पीछे रख दो, जितना अपना कर्तव्य मानते हो, ये हमारी कर्तव्य जगत में तो बहुत सारे कर्तव्य हमारी है, सारे कर्तव्यों को क्या करो पहले पीछे रखो, पीछे रख करके सबसे पहले क्या करो भगवान की हरि नाम करो, भगवान के नाम करो, क्योंकि जो 84 लाख जीवन को बाद में मिला है वो प्रभु के भजन के लिए ही जीवन मिला है। हैं 84 लाख जीवन में खाना पीना सोना बच्चों को जन्म देना पालना हर जीवन में हम कर सकते हैं, लेकिन भक्ति किसी जीवन में नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले क्या करो भजन, उसके बाद में भोजन, पहले क्या करना भजन और भोजन। इसलिए श्री सूरदास जी का एक पद है, वो कहते हैं जिन्नी तनु देही ताही विसराई कैसे नमक हरामी मौसम कौन कुटिल हलकाम। ये सूरदास का पद, जिसने तुम्हें इंसान का जीवन दिया है, जिसने तुम्हें जीवन का सब कुछ दिया तो उसको ही भूल करके बैठ गया, और जिसने जगत में तुमको कुछ भी नहीं दिया ना उसको पीछे दिन भर उसको पीछे लगे हुए। इसलिए सबसे पहले क्या करो, अभी कोरोना आया था, पता है ना कोरोना में कितने लोग ऑक्सीजन की वजह से मर गए, आप टीवी में देखे होंगे, जिसको मैं जानता हूँ उसने 10 हॉस्पिटल घूम गए लेकिन कहीं ऑक्सीजन मिली नहीं, लास्ट में दम तोड़ दिया। ऑक्सीजन कितनी कीमती थी और कितने कितने कीमती से बिका ऑक्सीजन है, लेकिन देखो ठाकुर को देखो, ठाकुर जी हमारे नाक को पास में ऑक्सीजन रख दिया, जन्म से लेकर के अभी तक जो ऑक्सीजन ले रहे हो केवल ऑक्सीजन। एक तो परिवार में जिनको जानता हूँ उन्होंने 40 लाख रुपया उन्होंने खर्चा किया बचाने के लिए, लेकिन बचा नहीं पाया आदमी को 40 लाख, इसलिए केवल ऑक्सीजन की वजह से 40 लाख। एक व्यक्ति में यहाँ आने से पहले यमुना में उनका अस्थि विसर्जन, एक व्यक्ति 15 लाख रुपया खर्चा किया, एक ने 7 लाख, लेकिन बचा नहीं पाया किस लिए, बोले केवल ऑक्सीजन की वजह से। देखो ठाकुर जी ऑक्सीजन कहाँ रख दिया, हमारे नाक को पास में रख दिया, जन्म से लेकर अभी तक ऑक्सीजन दे रहे, अभी तक एक पैसा ठाकुर जी मांगे तुमसे, तेरे को मैं ऑक्सीजन दिया अभी पैसा दो, अभी तक ठाकुर जी मांगे। इसलिए सूरदास जी कहते जिन्नी तनु देही, जिसने तुमके इंसान का जीवन दिया उसको ही भूल गए हैं। इसलिए कोई एक व्यक्ति था, जिस व्यक्ति को हॉस्पिटल, उसको हार्ट अटैक हुआ तो हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया, हॉस्पिटल भर्ती कर दिया तो उसको बाईपास सर्जरी किया, उसको बाद में उसका बिल हो गया 4 लाख रुपया, कितना हो गया 4 लाख, तो डॉक्टर ने उसको पकड़वा दिया, भाई भाई 4 लाख बिल। अभी उसको देख कर तो रोना शुरू कर दिया, रोना बंद नहीं हो, डॉक्टर ने सोचा लगता है बिल साथ ज़्यादा हो गया, बोले देख भैया मैं तुमको 1 लाख रुपया कम करता हूँ, 3 लाख रुपया दे। फिर और जोर जोर से रोना शुरू कर दिया, बोले फिर क्यों रह रहे हो, 1 लाख रुपया कम कर दिया, बोले ठीक है और 1 लाख रुपया मैं कम कर देता हूँ, तभी रोना बंद नहीं हो, बोले फिर क्यों रो रहे हो, आधा पैसा कर दिया, 2 लाख हम कम नहीं कर सकते क्योंकि हॉस्पिटल खर्चा जिसने किया बहुत लगा है, इसलिए 2 लाख हम कम नहीं कर सकते, उसको देना ही पड़ेगा। देखो वो व्यक्ति कितने बड़ी कीमती बात कहना है, बोले देखो ठाकुर का आशीर्वाद से मेरे पास में पैसा की कोई कमी नहीं, बोले फिर रो रहे क्यों, बोले इसलिए रो रहा हूँ मेरे उम्र हो गया 60 साल, लेकिन जिसने जन्म से लेकर के अभी तक ये हार को जो चला रहा था उसने अभी तक तो 1 पैसा मेरे से मांगा ही नहीं, लेकिन तुमने 2-3 घंटा में तुमने सर्जरी किया थे अपर से किया था, कितना बिल बना दिया 4 लाख तुमने बिल बना दिया, अगर वो बिल मेरे को मांगे ना वो तो कंगाल बन जाऊंगा। इसलिए हम कितने ऋणी भगवान के पास में, समझ रहे हो। इसलिए सूरदास जी कहते हैं भैया सबसे पहले भगवान की भजन करो, सबसे पहले नहा धोकर क्या करो, ये माला लो, और ये माला लेकर के जिसको कर्तव्य समझ रहे हो, बड़े बड़े कर्तव्य, पति सेवा करना, पत्नी सेवा करना, बच्चों को सेवा करना, सबसे पहले सवेरे उठ कर क्या करो, पहले अपना माला लेकर भजन करो। और जिनकी आप सेवा कर रहे हो, पति पत्नी बच्चों को सेवा कर रहे हो, आप दिल से पूछो तो तुम्हारे घर में तुम्हारे ऊपर कोई खुश है,
पति खुश ना पत्नी तेरे पर खुश, बच्चे को घुस देना पीछे चुगली करते। ये जगत में ऐसे की जगत है ना, किसी को जगत में खुश नहीं कर सकते हो। बदनाम की सिवाय दुनिया में कुछ भी देने वाले नहीं, जितने मर जाओ उनके लिए कुछ भी देने वाले नहीं। लेकिन ठाकुर जी कैसे है, भगवान के अंगुल कट गया, द्रौपदी ने थोड़ा बैंडेज कर दिया, तो ठाकुर क्या किया, भरी सभा में जब लाज जा रही थी, जिसको पांच पांच पति, द्रौपदी को पांच पांच पति, अगर किसी पत्नी का एक पति अगर पैसा वाला हो ना, वो सीना ताना हाँ छाती को क्या करता है चौड़ा करके चल दिया, अरे हमारे पति इतना। लेकिन सर्वश्रेष्ठ गदाधारी कौन था, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव। लेकिन वस्त्र हरण समय में कोई काम में आए उसकी, कोई तो उसका काम में आए, क्या कोई आए, कोई नहीं आए। आए आए तो कौन आए, एक वंशी वाले आए, कन्हैया आए, बाकी भी आई और कोई। इसलिए सूरदास जी कहते भैया पहले सारे कर्तव्य को पीछे रखो, सारे कर्तव्य को पहले प्रभु का नाम लो, हरि नाम लो, हरि नाम करके पहले प्रभु का नाम लो, फिर दिन भर काम करते रहो ना, दिन भर अपना ठाकुर सेवा करके काम करते रहो, ठीक है ना। पहले भजन उसके बाद में भजन, ठीक है। और यहाँ पर लगता है कुछ लोग नए लोग आए हैं, जिन लोगों ने माला नहीं लिया, अगर आप चाहोगे तो एक दिन आकर के माला ले लेना, ले करके भजन करो, बच्चों को भी हरिनाम करवाओ, पत्नी बच्चे, जिस परिवार में सबके सब भगवान की भक्ति करते हैं वो परिवार नहीं, भागवत कहता है उसका घर ही वृंदावन, उसका घर वृंदावन में ही है उसका घर है। इसलिए प्रभु का भजन करो और खूब आनंद और बड़े सुख में रहो। इसलिए बच्चे तुम बोलोगे, तुम पाँच मिनट में खड़े हो जाओ, हाँ बोलो बोलो, तैयार क्या करना, जो इच्छा बोलना आ जाओ, तैयार की करना क्या, क्या कोई कोई पेपर देने जा रही हो, कल नहीं आज सुना, खड़े हो जाओ, क्या सर्व लग रहे हैं तुमको, तो मैंने जो श्लोक मैंने बोला था लब्ध, उसको श्लोक जानते हो, श्लोक बोल सकता मीनिंग, खड़े बोलो, तुम इतने बड़े कुछ काम भी नहीं, देखो कैसे कैसे सुना सुना। हाँ देखो यहाँ पर जितनी यंग बच्चे बैठे हो, यंग लड़कियाँ, देखो हम चाहते हैं हमारी सनातन धर्म जगत में प्रचार हो, हमारी सनातन जगत में प्रचार हो, सनातन धर्म है, अंग्रेजी लोग भी प्रभु का हरिनाम करते भक्ति करते, इसलिए हम चाहते हैं बच्चे लोग कुछ कुछ सीखे और हमारी भक्ति के बारे में बताए और भजन कर। देखो ये बच्ची कुछ बोले, बोलो। ओम आज्ञान त्रिनाम दस्य ज्ञानांजन सुलोक्या चक्षुर्मीलयन्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छा क्लुप्तृ कृपा सिन्धुवे च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। लभ्यो सुदुर्लभं बहु सप्ये वन्दते मनुष्य मेत्यं समेत लभ्य तनु येत संपेत मृत्यु बहु निशंश विषय खलु येत सर्वेत सस्य। गुरुदेव ने बताया था, श्री कृष्ण कहते हैं, श्री कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं, हे उद्धव यदि कोई सोचे कि मनुष्य जीवन बहुत ही सुलभ है, कि हमें यही यूं ही मिल जाता है, हम ये पा सकते हैं, नहीं उद्धव ये मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है, कम बहुत योनियों के बाद हमें यह मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। यदि कोई सोचे कि हमारे पिछले जन्म के पुण्य उत्पन्न हुए हैं तब हमें यह मनुष्य जीवन मिला है, नहीं ना जाने हम कितनी योनियों में तो समुद्र के जीव बने होंगे, कितनी योनियां हमने इन जमीन पर रहने वाले कीड़ों के रूप में वो करी होगी, ना जाने हम क्या क्या बने होंगे जब हमें यह मनुष्य जीवन मिलता है। ऐसे ही कोई नहीं मनुष्य जीवन प्राप्त कर सकता, और हमें मनुष्य जीवन मिलता भी है तो कितने ही लोग इसे ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं, आए और इस संसार में भोग किया और चले गए, कोई भगवान का नाम नहीं ले पाते। उनमें से भी बहुत कम व्यक्ति होते हैं जो भगवान का नाम लेते हैं और शास्त्रों की बात पर चलते हैं। एक एग्जांपल है, आप सब सुनिए, कि एक जानवर एक स्वर थे, वो बहुत सारे बैठे थे, और वहां से एक इंसान जाता है और उस स्वर को लात मारकर एक साइड कर देता है और चल देता है, तो स्वर बोलता है, हे तुमने मुझे लात क्यों मारी और तुम कहाँ जा रही हो, तुमने किस एंगल से मुझे लात मारी। कहते हैं, हे तुम स्वर हो और तुम मेरे से बात कर रहे हो, मैं तुम सारे चीज में श्रेष्ठ हूँ। कहते हैं, अच्छा श्रेष्ठ हो तो मुझे अपनी एक श्रेष्ठता बताओ तो मैं मान जाऊंगा। कहते हैं, अच्छा श्रेष्ठता जाननी है तो सुनो, देखो मैं कितना अच्छा अच्छा खाता हूँ,
मैं इतना अच्छा अच्छा खाता हूँ और तुम तो ऐसे ही कुछ भी खा जाते हो। कहते हो अच्छा मैं कुछ भी खा जाता हूँ, तो ये बताओ तुम क्या खाते हो? तुम सुबह से शाम तक इतनी मेहनत करते हो, जब इतना खाते हो फिर उस खाने को तुम्हारे वो साथ रहता है क्या? शाम को खाते हो सुबह खत्म, कुछ नहीं आता ना तुम्हारे पास? कहते हैं अच्छा। अब उस जो कहते हैं देखो मैं इतने सोता हूँ, मैं कद्दों को सोता हूँ एसी कूलर में, और तुम तो यहीं कहीं पड़े रहते हो, तुम्हारा कहाँ सोना? कहते हैं अच्छा तुम ऐसे सोते हो, तो देखो यदि तुम लाइट चली जाए ये पंखे बंद हो जाए क्या तुम सो पाओगे? चिंता चिंता तुम्हें इतनी है संसार में, क्या तुम्हें नींद आएगी? यदि इतनी गोली भी खा लो ना तो तुम्हें नींद नहीं आने वाली, और मुझे ना कोई चिंता है और मैं सोता हूँ आराम से। कहते हैं अच्छा। तो कहते हैं देखो मेरा कितना बड़ा घर है, मैंने इतनी मेहनत से बनाया है ये घर। कहते हैं अच्छा ये घर तुम्हारा है, मरने के बाद इसे अपने साथ लेके जाओगे क्या? ये तुम्हारे साथ जाएगा? तो कहते हैं और देखो मैं जहाँ बैठ जाता हूँ वो मेरा ही हो जाता है, वहाँ में वो जगह मेरी ही हो जाती है। कहते हैं अच्छा। तो देखो मैं बच्चों जन्म देता हूँ और उसे बड़ा करता हूँ और उसे इतना समृद्ध बनाता हूँ। कहते हैं अच्छा बच्चे करते हो, और जब वो फिर बड़ा होता है और फिर तुम्हें गाली देता है ना, वो भी तो अच्छे बात है। देखो मेरे तो इतने इतने बच्चे हैं और मैं इन्हें जन्म देता हूँ और ये खुद ही समर्थ होते हैं भोजन प्राप्त करने के लिए, और तुम अपना पूरा जीवन ऐसे ही बर्बाद कर देते हो। तो कहते हैं तुम्हारे से एक संत गुजर रहे थे, वो कहते हैं मैं बताता हूँ ये तुम्हारे से क्यों अलग है। कहते हैं सिर्फ मनुष्य जीवन में ही हम भगवान का नाम ले सकते हैं, अन्यथा तुम पशु होकर भगवान का नाम ले सकते हो? यदि तुमसे कहे कोई कृष्ण कृष्ण बोलो तुम बोल सकते हो? कहते हैं नहीं बोल सकते। हाँ यदि कोई मनुष्य भगवान का नाम ना ले तो वह पशु के ही समान है, पशु और हमें कोई भिन्नता नहीं है यदि हम भगवान का नाम नहीं लेते। अब कहते हैं तुम ये इतने समय पे तुम मृत्यु निशंस विषय, अगर हम सोचें कि हम बुढ़ापे में भगवान का नाम ले लेंगे तो मृत्यु का कोई भी नहीं है। जब हम जन्म लेते हैं तो काल हमारे पीछे ऐसे रहता है जैसे भूखा शेर हिरण के पीछे दौड़ता है, ना जाने वो हमें कब खा जाए, इसलिए जल्द से जल्द हमें भगवान का नाम लेना चाहिए। जैसे एक सेठ है और वो पैसों की पोटली लेकर जा रहा है, तो पोटली जैसे लेके जा रहा है तो रास्ते में चार चोर आए और उससे वो पोटली छीन कर ले गए। अब वो आगे चला बनिया बहुत परेशान, बहुत ही क्रोधित हो रहा है और चलता जा रहा है। अब एक अंधभूत कुआं है और बनिया उसमें फिसल गया। अब भगवान की कृपा हुई कि उसे एक पेड़ की लता थी तो उसने उसे पकड़ा। अब लता पकड़ी तो नीचे देखा एक सांप उस कुएं में, और लता पकड़ रखी है कह रहा है भगवान किसी तरह निकाल लो। पर बनिया क्या करता है उस पेड़ पे एक मधुमक्खी का छत्ता था तो उसमें बहुत सारा शहद था, तो उसमें से एक बूंद टपकती है शहद की और वो बनिया के मुंह में गिरती है। अब बनिया उस शहद को खा के ऐसा महसूस करता है जैसे उसे स्वर्ग मिल गया हो। अब दिन व्यतीत होते हैं और वो एक बूंद शहद की हर एक घंटे बाद गिरती, बनिया बहुत खुश होता कि शहद खाने को मिल रहा है, भूल गया कि मैं कुएं में हूँ और नीचे सांप है, यदि ये पेड़ टूट गई तो मैं जाऊंगा नीचे। पर वो उस एक बूंद शहद का आनंद ले रहा है, ये नहीं देख रहा कि ये सांप है नीचे। अब एक समय वो पेड़ टूट जाती है और सांप उसे खा जाता है। वो बनिया और कोई नहीं, वो बनिए हम हैं। अब जब हम आते हैं तो चार चोर थे ना, वो हमारे परिवार वाले होते हैं, सदस्य सभी संबंधी होते हैं, हमारा पैसे से बहुत प्यार करते हैं वो, और फिर उस पैसे को जब हम मर जाते हैं तो उसे छीन के ले जाते हैं। अब वो जो अंधकूप कुआ है वो संसार है, और हम उस पेड़ को पकड़े, हमारे ना जाने कितना जीवन है हम उस पेड़ को पकड़े हुए हैं। अब वो मधुमक्खी का छत्ता ये संसार के झूठे सुख है, जो हम उसे एक बूंद शहद को लेकर निरंतर खुशी रहते हैं कि ये तो हमारा है हमारा है, और जो नीचे सांप है वो काले ना जाने हमें कब खा जाए। इसलिए सतगुरु देव के सानिध्य में होकर हमें भक्ति करनी चाहिए, वरना हमारा मनुष्य ये मनुष्यतन बेकार है। इन्हीं सभी शब्दों के साथ आप जितने बच्चे हैं ना, हम इसलिए खड़े किए, आप जितने बच्चे हो आप लोग भी धीरे 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 ऐसे कथा उसी को हर जगत में भगवान का वाणियों को सर्वत्र में प्रचार करो, और आपका एक एक घर भगवान की धाम बन जाए, वृंदावन धाम बन जाए। ठीक है, जैसे एक लड़की नहीं हुआ वहाँ भी लड़की से ऐसे लड़कियाँ बड़ी सुंदर सुंदर या कथा सुनाते हैं, और हमारे कुछ जो बच्चे लोग भी
बड़े सुंदर सुंदर बच्चे लोग भी कथा सुनाते हैं, इसलिए आप लोग ग्रंथ शास्त्र पढ़ो। और हम चाहते हैं एक दिन संपूर्ण दुनिया क्या हो जाए, भगवान की भक्तिमय हो जाए, भगवान की भक्तिमय हो जाए। और महाप्रभु का यही भविष्यवाणी था, एक दिन ऐसा आएगा पृथ्वी की गली गलियों में शहर शहर में मेरे नाम गूंज उठेगा और सबके सब लोग प्रसन्न होकर के हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। हरे बार जोर से बोलो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम। आज अब कथा को यही विश्राम देते हैं, रोज ये कथा रोज होती है, रोज ये कथा होती है। लेकिन जो प्रसाद है, प्रसाद तो हम विशेष विशेष दिन पर ये प्रसाद को देते हैं, हैं? इसलिए आप लोग भी कोशिश करना आए कल परसों। हाँ हाँ कहते पढ़ गलो भूल जो कर तब विषय कह दिया शीघ्र आसो शीघ्र। हाँ इसलिए हाँ देखो कल और परसों जो तरसु है एक तिथि है जिसका नाम कहते हैं रा पंचमी। कल परसों और तरसों 16 तारीख को हेरा पंचमी। हेरा पंचमी मतलब है जैसे श्री जगन्नाथ जी लक्ष्मी को बहुत समझा बुझा करके बहुत उनको प्रभु जी क्या कर रहे हो, उन्होंने लक्ष्मी को बहुत समझा बुझा करके उन्होंने बोले मैं कल जा रहा हूँ परसों में वापस आ जाऊँगा। लेकिन जगन्नाथ तो बोल के तो गए, लेकिन 4-5 दिन हो गया जगन्नाथ जी वापस नहीं आए। जब वापस नहीं आई लक्ष्मी को तो बड़ा क्रोध आया, बोले बोल रहे थे आज जा रहा हूँ कल परसों आऊँगा, 5 दिन हो गया और अभी तक आए नहीं। लक्ष्मी को बड़ा क्रोध आती है, उन्हें ढूंढने के लिए जाते हैं, गए गए तो गए कहाँ हैं, वो तो गए तो गए कहाँ, कृष्ण गए तो जैसे ब्रज गोपियों को बोल कर गए ना परसों आकर परसों बीत गया, बोले वो गए तो गए कहाँ। इसलिए लक्ष्मी बड़ी क्रोधित होकर के आती है और आकर के जगन्नाथ जी के पहिया को तोड़ देती है और सिंहासन पर बैठ जाती है और बैठा करके उन्होंने सबको बोले इनको गोपियों को पकड़ पकड़ कर लाओ मेरे नीचे चरण में नीचे दब, इसको सर झुकाओ। और गोपियाँ माफी मांगती हैं, कद देवी चिंता मत करो, आपका प्रभु को जगन्नाथ जी को कृष्ण को हम जल्दी से जल्दी जगन्नाथ जी को हम छोड़ देंगे, आप क्रोध मत करो। वो हेरा पंचमी है, बड़ी सुंदर कथा उस दिन हम अच्छे तरह से सुनेंगे। उसी दिन भी हम कोशिश करेंगे आपके लिए प्रसाद की व्यवस्था के लिए 16 तारीख को। और कुछ माताएं कुछ आलू भी टमाटर भी भेजे थे, कुछ माताएं चावल भी भेजे थे, इसलिए उसको 16 तारीख को हम आज भी कुछ लगाए और 16 तारीख को भी हम उसको लगाएंगे। इसलिए 16 तारीख को आप लोग आना, उस दिन विशेष जगन्नाथ जी की एक विशेष तिथि है, ठीक है। अब ये कथा तो रोज़ होती है कथा, आप लोग रोज़ रोज़ भी आ सकते हैं, ठीक है। और देखो कितना बिनु सतसंग विवेक ना हुई अरे राम कृपा बिनु सुलभ ना हो। जैसे आज अब जो नए लोग आए हो, जो पुराने लोग तो रोज आते हैं कथा सुनते हैं, जो नए लोग आज आए हो सुन करके अच्छी लगेगी नहीं, भावना आई होगी हम भी भजन करेंगे हैं। जैसे कि पौधा लगाते हैं अगर उसमें पानी देते रहोगे ना क्या होगा, वो पनपनाते हुए लताएं पनपनाते हुए बढ़ेगी। ये क्या है पानी, बोले सत्संग। इसलिए जो लोग रोज रोज कथा में आते हैं देखो ये सब कैसे तिलक लगाते हैं, गले में तुलसी कंठी ये माला जप करते हैं, क्यों रोज इनकी सत्संग मिल रहा है, रोज इनको पानी मिल रहा है तभी ये भक्ति करते हैं। इसलिए अगर कथा में नहीं आएंगे तो जो कुछ लोग अपनी माला लिए कुछ दिन बाद में देखो गला में कंठी नहीं तिलक नहीं माला कहीं खो गई, क्यों सत्संग में आते नहीं ना, आते ही नहीं, इसलिए भावना बढ़ी गई से। इसलिए गुरु जी से आए और माला लेकर चले गए ये सब कुछ नहीं है, यही सब कुछ नहीं, उसको आगे उसमें पानी देना पड़ेगा जैसे भक्ति लता धीरे धीरे भगवान तक पहुँचे। इसलिए आप लोग रोज रोज आइए कथा सुनिए और ये आनंद को सबके सब ग्रहण करो। आज एक महाराज जी है हैं, आज पर्वत महाराज जी, आज इनकी जन्म उत्सव उपलब्ध करते हुए हम लोगों ने ये प्रसाद का उन्होंने व्यवस्था किया है। प्रभु जी वहीं पर कुछ दिन थे, उनको बारे में थोड़ी सी सुनाएंगे, उसके बाद में प्रसाद आप लोग लेकर के सबके सब ग्रहण। वांछा कल्पतरुवश कृपा सिंधुवरेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर तस्य भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी गुरु महाराज के चरण में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उनके हेतु की कृपा वांछा करता हूँ। तत्पश्चात परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर तस्य भक्ति स्वरूप श्रीलांति गोस्वामी महाराज जी नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर तस्य भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उनके हेतु की कृपा वांछा करता हूँ। रूपानुग गुरुपाद पद्म विशेष सड़क गोस्वामी प्रभु सपरिकर गौर नित्यानंद प्रभु सपरिकर युगल किशोर राधा गोविंद जी के चरण में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उनके अहितु की कृपा वांछा करता हूँ। आज जिनका शुभ आविर्भाव तिथि है पूज्यपाद श्री श्रीमद त्रिदंड स्वामी भक्ति आलोक पर्वत महाराज जी के चरण में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उनका अहितु की कृपा वांछा करता हूँ। उपस्थित सतीर्थ गुरु भ्राता बृंद पूज्यपाद नवीन कृष्ण प्रभु प्रेम प्रभु मित्र प्रभु आदि समस्त वैष्णव बृंद संजय प्रभु भक्त बृंद के चरण में धर्म का यथा जी के दंडवत प्रणाम स्वीकार हूँ। हमारे ओडिशा में पुरी में जब रथ यात्रा होता है वहाँ भी चार दिन का उत्सव होता है और देखो यहाँ भी गुरुदेव इस साल हैं तो चार दिन का उत्सव ही हो गया। पहले दिन चार दिन तक वहाँ भी उत्सव हुआ रहता था। पिछले साल में हम हर साल उड़ीसा में ही रहते हैं तो पहले दिन तो नेत्र उत्सव जगन्नाथ जी का दर्शन हुआ 15 दिन के बाद तो गुरुजी बोले आज उत्सव होना चाहिए। दूसरे दिन बोले गुंडीचा मंदिर मार्जन है आज भी उत्सव होना चाहिए। तीसरे दिन कल रथ यात्रा था और आज देखो सौभाग्य से मैं कल ही गुरुदेव को सामने बोला था कि आज भी उत्सव क्यों ना किया जाए कि महाराज जी का आज शुभ आविर्भाव तिथि है। हम पुरी में रहते तो महाप्रसाद उत्सव होता है वहाँ पर। तो देखो महाराज जी का बड़ा विशेष अवदान है मेरे ऊपर, मेरे जीवन में बड़ा प्रभाव है। मैं जितने साल भी वहाँ पे रुका 2015 के बात कर रहा हूँ, 2015 में पूज्यपाद बंसीवदन प्रभु भक्ति वेदांत बोधन महाराज जी पूरी गोस्वामी महाराज जी के विग्रह प्रतिष्ठा के लिए सुनावेड़ा आए थे कोरापुट में जहाँ पे था वहाँ पे आए। तो उनके वो भी परम गुरुदेव प्रभुपाद के शिष्य हैं श्री श्रीमद भक्ति वैभव पूरी गोस्वामी महाराज जी, उनके विग्रह प्रतिष्ठा करने के लिए महाराज ने उनको बुलाया और महाराज जी जैसे ही बुलाए आए महाराज जी और कथा कीर्तन हुआ संध्या के समय पे। और कथा कीर्तन होने के पश्चात पूज्यपाद बोधन महाराज जी बंसीवदन प्रभु और महाराज जी को बोले कि आप भी कुछ चरणों में पुष्पांजलि दो, आप भी कुछ कथा बोल दो। तो महाराज जी ने पहले मंगलाचरण किया, सब लोग सुनने के लिए उत्सुक हैं वहाँ पे खड़े हुए और महाराज जी ने बताया देखो मैं एक ही कथा को जानता हूँ, क्या ना पूज्यपाद भक्ति वैभव पूरी गोस्वामी महाराज जी मेरे आपके जो गुरुदेव है भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी बंसीवदन प्रभु को बोल रहे हैं पूज्यपाद भक्ति वैभव पूरी गोस्वामी महाराज जी और गुरुदेव का बीच में घनिष्ठ संपर्क था। ऐसा स्थिति होता था कि गुरुदेव बुलाने जाते थे कि बुला के लेके आओ तभी जाके झूलन होगा, गुरुदेव स्वयं बोलते न्योत दे के जाओ, गुरुदेव को भेजते हैं हमारे गुरुजी को भेजते हैं और क्या उनका नाम अभी अप्रकट हो गए भक्तिवेदांत तीर्थ गोस्वामी महाराज जी को भेजते हैं, भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज जी को भेजते हैं कि उनको निमंत्रण दे के आओ। तो महाराज जी सेवा कुंज में जो मठ है सेवा कुंज के सामने राधा वृंदावन चंद्र मंदिर है वहाँ से धीरे धीरे हमारे रूप सनातन गोड़े मठ में आते हैं और झूलन करते हैं। तब तक गुरुदेव वेटिंग करते हैं, गुरुदेव अपेक्षा करते हैं पूज्यपाद भक्तिवेद पूरी गोस्वामी महाराज जी। तो महाराज जी बोल रहे हैं कि देखो आज मेरे गुरुपाद पद्म भक्ति वैभव पूरी गोस्वामी महाराज जी के तिथि पे आप यहाँ पे आए, आप यहाँ पे आकर आपने कथा कीर्तन श्रवण करवाए और आपके द्वारा ये विग्रह का प्रतिष्ठा हो पा रहा है, ये निश्चित रूप में भक्तिवेद नारायण गोस्वामी महाराज प्रसन्न ही होंगे। ये उनके वाणी है, बोले कि निश्चित रूप में भक्ति नारायण गोस्वामी महाराज प्रसन्न होंगे क्योंकि भक्तिवेद पूरी गोस्वामी महाराज जी के तिथि पे उनके ही शिष्य उनके ही आश्रित जन यहाँ पे आके उनके विग्रह प्रतिष्ठा कर रहे हैं, इससे बड़ा खुशी के बात कोई हो ही नहीं सकता। तो महाराज जी का हृदय जो है ना बड़ा विस्तृत हृदय है, बोलते हैं 5 मिनट अगर भोग में लेट हो जाता है ना मध्यान्हकालीन रात्रिकालीन में 5 मिनट लेट हो जाते तो डांट लगा देते थे, 5 मिनट लेट होते ऐसा कोई स्थिति हुआ नहीं, लेकिन हमने खुद देखा है बहुत सारे ब्रह्मचारी को पिटाई किया महाराज जी ने। पूरा ऐसा ऐसा स्थिति हुआ कि दीवार ऐसे उठाते हैं और दीवार को इस तरफ फेंक देते हैं, इस प्रकार का स्थिति भी हुआ। मैं सोच रहा था भाई मुझे तो कर देते तो मैं
तब वहाँ हरिबोल ही हो जाता। तो महाराज जी के विशेष कृपा है, बड़ा शासन किया। एक समय के बाद है मैं अर्चन सीख रहा था नए नए, और अर्चन कर रहा था 2014-15 के बाद है। तो उसी समय में मुझे पता नहीं था सालग्राम, इतना सारा सालग्राम है वहाँ पे। मैंने सालग्राम को ऐसे ऐसे मार्जन कर रहा था। महाराज जी ज़ोर से पीछे से आए और ऐसे डांट लगाया और बड़े अच्छे तरीके से सिखाए। बोले जो भगवत विग्रह है उसको ऐसे मार्जन नहीं करना चाहिए। महाराज जी खुद बैठे और खुद वहाँ बैठ के खुद अर्चन करें। जब भी जाते हैं, हर जगह पे जाते हैं, तो इनको बोलते हैं कि पर्वत महाराज जी निश्चित रूप में कुछ ना कुछ लेके ही आएंगे। हमारे लॉकडाउन में पूरी में बड़ा भयंकर परिस्थिति था, तो जैसे ही पता चला कि पर्वत महाराज मठ में आ रहे हैं, गुरुदेव भी थे वहाँ पे, तो सब लोग खुश हो गए। निश्चित रूप में महाराज जी ये कुछ ना कुछ लेके आएंगे। और महाराज जी इतने सारा आम, इतने सारा फ्रूट्स, इतने सारा सब्जी, इतना इतना मिक्सचर, क्या क्या पता नहीं, पूरा गाड़ी भर के लाए थे महाराज जी। और सब ब्रह्मचारी में बांटा। गुरुदेव गुरुपाद पद्म भी पिछले साल वहीं पर थे। सबको दिया कुछ ना कुछ, सबको दिया। एक दिन रुके वहाँ पर, तो महाराज जी का विशाल हृदय है, सेवा की भावना प्रकाशित किए। और ऐसा डांट लगाते थे तो मैं सोचता था कि जयराम प्रभु, वहाँ पे एक प्रभु जी है, मैं बोलता था कि अब नहीं रुकना है मठ में, मैं जा रहा हूँ अब घर में। तो महाराज जी फिर रात रात में बैठ के समझाया करते थे। गुरु वैष्णव के जो शासन है, गुरु वैष्णव के जो शिक्षा है, गुरु वैष्णव के जो प्रीति है, जिस मात्रा में गुरु वैष्णव प्रीति करते हैं उसी मात्रा में ही वैष्णव लोग शासन भी करते हैं। अगर जहाँ पर प्रीति नहीं है वहाँ पर शासन बोलने का अधिकार नहीं है। एक उदाहरण दे के बोले कि एक समय बोले कि देखो एक शराबी रास्ते में जा रहा है, तो तुम रास्ते में जा रहा हो और कहीं पे एक शराब का दुकान है, कोई एफएल शॉप है, तो उसमें दो व्यक्ति खड़े हैं, एक को तुम जानते हो अच्छे तरीके से और दूसरे को तुम जानते नहीं। बोलो किसको जाके टोकोगे? जिसको जानते हो उसको टोकोगे। तो जिसमें जितना प्रीति होता है उसको उतने मात्रा में ही शासन का प्राप्त मिलता है। तो गुरुपाद पद्म से अभी दो दिन पहले मन में कुछ इच्छा हुआ, लेकिन संकोच हो जाता है। तो हमारे राधारण प्रभु ने पूछे गुरुदेव से यहाँ पे सुबह सुबह कि गुरुदेव आप हर समय जो शासन का बात करते हैं तो आप शासन क्यों नहीं करते? तो गुरुपाद पद्म स्वयं इस बात को बोलते हैं कि जिस मात्रा में जिसके ऊपर प्रीति होता है, जिस मात्रा में जिसके ऊपर प्रीति होता है उसी मात्रा में उसको ही शासन किया जाता है। गुरु अंतर्जामी रूपे सिखाए अपन, वास्तव में जो गुरु तत्व है, वैष्णव तत्व है, वो वास्तव में अंतर्जामी होते हैं। तो ये जानते हैं कि किस मात्रा में शासन ग्रहण कर पाएगा, किस मात्रा में शिक्षा ग्रहण कर पाएगा। इसलिए महाराज जी ने विशेष करके इतने साल तक पालन पोषण किया भक्ति राज्य में, और विशेष बड़े बड़े सुंदर शिक्षा दिया। और मैं तो पढ़ के आया था, मुझे पता नहीं था ये उच्चिष्ट ज्ञान है, ये करना है, वो करना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। वो प्रसाद पाते थे उसमें ही बैठ जाते थे। तो महाराज बोलते हैं शूद्र हो, हटो इधर से। महाराज जी ऐसे बोलते थे, तुम शूद्र हो, इधर से हट जाओ। तो इस प्रकार उनके जो मठ में है ना, बड़ा आचरण है, बड़ा आचरण मतलब आचरणशील है, होते हैं, और विशेष विशेष विधि है। और हर समय महाराज जी के तिथि पर मैंने देखा कि एक बात महाराज जी में है कि हर गुरु वैष्णव के, प्रभुपाद के जितने भी पार्षद हैं, यानी कि हमारे परम गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज और जितने भी प्रभुपाद के पार्षद हैं, सबका पटचित्र बना रखा है महाराज जी ने। और बना करके उनके दिन उस तिथि के दिन महाराज जी आरती करते हैं और उत्सव करते हैं। जैसे आज उत्सव किए ना, ऐसे विराट उत्सव करते हैं, विशाल उत्सव करते हैं। और उत्सव करने के बाद मैंने एक बार पूछा, ये तो हमारे आपके मठ के परम्परा में नहीं है। तो बोलते हैं मूर्ख, परम्परा नहीं है, वैष्णव तत्व जिसका हृदय में ये भावना आ जाए कि ये प्रभुपाद के शिष्य हैं और ये मेरे गुरुदेव के गुरु भाईगण है, और ये लोग सबसे बड़े बात तो मेरे गुरुदेव मुझे बोले थे कि एक बात गुरुदेव बोलते हैं कि वैष्णव सेवा से सर्व सिद्धि होता है, तो ये तो महाभागवत है और इनके सेवा से ही सर्व सिद्धि होगा, ये मेरे गुरुपाद पद्म का वाणी है। तो ऐसे ऐसे महाराज जी बड़े सुंदर सुंदर रूप में, विस्तृत रूप में बात कथा करते हैं। देखते हैं कोई ब्रह्मचारी अगर सेवा नहीं करते ना, और महाराज जी पहले उसको शासन करते हैं, पहले डांट लगा देते हैं, उसके बाद खुद जाते हैं। वहाँ पे 40 गाय हैं बहुत सरपुरा, और बड़ा विस्तृत बड़ा बृहद मंदिर है। गुरुदेव जानते हैं, बंसीवदन प्रभु भी वहाँ पे कई बार गए हैं। बड़ा सुंदर मनोरम स्थान है, पहाड़ के ऊपर मंदिर है, नीचे झरना है। तो वहाँ पे बोलते हैं नीचे नदियाँ हैं। तो वहाँ पे महाराज जी जब भी हम कहीं मठ से बाहर जाते थे ना, वो बार बार पूछते थे कहाँ गए हो, क्यों गए थे, किस लिए गए थे, कितने समय के लिए गए थे। इस प्रकार का शासन करते हैं, इस प्रकार का पूरा ब्रह्मचारियों को शासन करके महाराज जी ने हमें, विशेष करके तो मुझे
मैं मुझ जैसे विषय को महाराज जी ने विशेष करके कृपा किया। पाँच साल तक मैं वहाँ पर रुका, सेवा के भावना सिखाया और डांट लगाते हुए प्रीति भी उतनी मात्रा में ही किया। शरीर अस्वस्थ हो जाता, मैंने खुद देखा है, मेरा शरीर अस्वस्थ था उस समय। गुरुदेव को पता है कुछ ऑपरेशन होने वाला था शरीर में मेरा, तो मैंने खुद देखा है। महाराज जी बंशीधरन प्रभु महाराज जी रात रात सोते नहीं थे, रात रात भर बातचीत करते थे, कैसे किया जाएगा, क्या किया जाएगा, कैसे होगा, कहाँ जाएगा, क्या करेगा, इसका शरीर ऐसा अस्वस्थ है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सेवा मत दो। एक समय मैं ठाकुर जी के लिए एक बाल्टी पानी लेके मंदिर में जा रहा था, तो ऐसे डांट लगाए मुझे, तुमको किसने बोला ये पानी उठा के ले जाने के लिए। तो इस प्रकार का प्रीति है, शासन है। पिछले साल गुरुपाद पद्म ने बड़े प्रसन्न हुए, गुरु जी और हम लोग ने लॉकडाउन थे तो महाराज जी बोले कि आप हमारे इधर आ जाओ, एक मठ है वहाँ पर हम देखेंगे, रथ यात्रा देखेंगे। तो हम एक दिन पहले ही गुरुदेव, मैं और पूज्यपाद बंशीवदन प्रभु ने महाराज जी के पास चले गए और इतना सुंदर दर्शन हुआ, इतना सुंदर दर्शन हुआ। गुरु जी स्वयं बोलते हैं मैंने इतना दिन तक रथ यात्रा देखा बचपन से, लेकिन ऐसा दर्शन मैंने कभी नहीं देखा, इस प्रकार का दर्शन मैंने कभी नहीं देखा। कैसे जगन्नाथ जी को ले आते हैं, हाँ, इस और कैसे बलदेव प्रभु को ले आते हैं, सुभद्रा देवी को, कैसे राजा आके छेरा प्रहरा, राजा का क्या सेवा होता है, शंकराचार्य का क्या सेवा होता है। गुरुपाद पद्म इतना खुश हो गए, इतना खुश हो गए उस समय पिछले साल रथ यात्रा में। मैंने महाराज जी को बोला कि आज तो आपने सचमुच एक बड़े विशेष कार्य किया है, और महाराज जी भी विशेष रूप में बहुत हर समय शासन नहीं करते हैं, हर समय डांट लगाते हैं, शासन करते हैं, उनके शासन को विशेष रूप में मेरे ऊपर तो बहुत शासन किया। आज उनका शुभ आविर्भाव तिथि है। देखो पूज्यपाद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज कहते हैं, एक बात को कहते हैं, हमें वैष्णव के तिथि उत्सव पे जरूर जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? तो पूज्यपाद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज कह रहे हैं हम तो उनको देखे नहीं, फिर भी हमें जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? कि वो उसी तिथि पे स्वयं रूप में अपने शक्ति को, एक एक जीव जो कथा सुनते उनके हृदय में एक एक शक्ति को प्रकाशित कर देते हैं, एक एक भाव को प्रकाशित करते हैं, और उसी भाव में उनके नाम से जो भंडारा होता है, वो जो महाप्रसाद होता है, उसी प्रसाद को हमको जोर जबरदस्ती, ऐसा नहीं है कि हमको दिया नहीं, हमको सम्मान नहीं दिया, ऐसा बात नहीं है, जोर जबरदस्ती उसी प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। पूज्यपाद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज एक जगह पर ऐसा बात है कि महाराज जी एक वैष्णव के तिथि में खुद गए और जाके बोलते हैं कि आपने तो हमें बुलाया नहीं था, ऐसा वहाँ पर बताया गया कि आपने, आपको तो हमने बुलाया नहीं। बोले बुलाने की आवश्यक नहीं है, मैं खुद गए, खुद वहाँ पे लेके प्रसाद लेके पाए और खुद पुष्पांजलि प्रदान किए। तो देखो आज महाराज जी का शुभ आविर्भाव तिथि है, हम सब लोग एकत्रित है, महाराज जी हम सबके ऊपर कृपा करें, गुरु वैष्णव की सेवा विशेष करके मेरे ऊपर कृपा करें। पूज्यपाद जयराम प्रभु महाराज जी, गुरुदेव पूज्यपाद बंशीवदन प्रभु, सारे जितने भी शिक्षा गुरुपाद पद्म है, इस अधम के ऊपर कृपा करें, शासन ग्रहण करने का शक्ति सामर्थ्य प्रदान करें, वैष्णव में रति प्रदान करें। ये सब प्रार्थना के साथ बांछा कल्पतरु विकास
Thank you.